mm <clears throat> स्वागत है आपका आप लोगों का आन अकेडमी के लेट्स क्रैक यू पी हिंदी के चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है थोड़ा सा विलम्ब हुआ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी आज की क्लास में चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हाँ अब मैं लाइव आ गया हूँ आप लोग थोड़ा सा एक बार कन्फर्म ही कीजिएगा हाँ स्वागत है आप सभी का हाँ मैं लाइव आ गया हूँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी इसी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ स्वागत है आप लोगों का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल में इस चैनल के माध्यम से हम लोग आज सभी ने अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि महात्मा गांधी का ये दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन इसके पूर्व महात्मा गांधी का पहला जो अखिल भारतीय आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था और एक और महात्मा गांधी का अखिल भारतीय आंदोलन है जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं तो आप लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं होगा आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में तो चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए हम लोग पढ़ते हैं इसके पूर्व हम लोग अन एकेडमी के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने पे चार आधारभूत सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं आइए इसको विस्तृत रूप से जानते हैं यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और कोर्स आपको मिलता है यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा मिलती है यहाँ पे वीडियो का आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ठीक इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने पे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ एक्सपर्ट उनका आपको मार्गदर्शन मिलेगा इसके अलावा यहाँ पे लेने पे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा यूपीएससी ऑप्शनल पेपर इसके अलावा एनसीआरटी और स्तम का अध्ययन करवाया जाता है यहाँ पे दो तरीके का सब्सक्रिप्शन है ये दोनों सबक्रिप्शन यहाँ पे यह सामान्य अध्ययन से संबंधित है इसमें आप लोग अनडमी के लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इस सब्सक्रिप्शंस को यहां पे आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी का जैसे ही गोल सेलेक्ट करके आप लोग प्लस कोर्स पे जाएंगे ये आपको छह महीने बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने, महीने के रूप में मिलेगा इसमें आप लोग हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई बी का मेंशन करें एस ए एन जे डबल ई बी हमारा रेफरल कोड है इसे आप लोग अप्लाई करें फलता यहाँ पे जो फी मेंशन है इसमें आपको 10 प्रतिशत फीस में छूट मिलेगी इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा जो कोर्स है वो आइकॉनिक कोर्स है ये बड़ा ही आधारभूत कोर्स है ये बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने के रूप में मौजूद है इसमें भी आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई बी को अप्लाई करें यहाँ पे भी आपको 10 प्रतिशत फीस में छूट मिलेगी कटौती आप लोगों को मिलेगी इसके अलावा प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स के बारे में कुछ खास बातों को जान लेते हैं प्लस कोर्स में आप लोग देखेंगे लाइव लाइव क्लासेज आपको मिलेगा वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और कोर्सेज मिलेगा आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडेंस इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो ये आइकॉनिक कोर्स है ये बड़ा ही आधारभूत कोर्स है इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर है उसका भी सब्सक्रिप्शन मौजूद है ये एक महीने छः महीने बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में है इसमें भी आप लोग हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई वी का प्रयोग करें अब यहाँ पे खास करके एक महीने में तो ऑप्शनल तो कुछ हो नहीं पाएगा हालांकि इसकी फ़ीस पाँच हज़ार रुपये है हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो पैंतालीस सौ रुपये एक महीने की इसकी फ़ी हो जाएगी लेकिन इससे कुछ होगा नहीं एक महीने में ऑप्शनल का तो मोटी मोटा आप लोग सिलेबस भी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है तो कम से कम छः महीने का आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लें इसके अलावा यूपीएससी सी एस ऑप्शनल कैम्बो सीरीज भी स्टार्ट हुई है ये बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने के रूप में है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अन एकडमी ने 17 मार्च से कई प्रकार के बैचों को प्रारंभ किया है वन ईयर कंप्लीट बैच है टू ईयर कंप्लीट बैच है एन का स्पेशल बैच है यूपीएससी प्रलिम्स का फोकस बैच है किसी भी बैच को अपने हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अन एकेडमी समय समय पर एक कॉम्बैट सीरीज का आयोजन करती है इस बार 21 मार्च यानी आज ये है आपकी जो सीरीज है वो 11 बजे हो चुकी है फिर अगले संडे को भी यह सीरीज होगी तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अब आप लोग सीधे पहुंचिए आज की क्लास पर पूरी तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए हाँ हम लोग सबिनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे हम लोग आज की क्लास में सबिनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए हम लोग सभिनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ते हैं थोड़ा सा विलंब हुआ कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके सामने हूँ हो जाती हैं कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ते हैं हम लोग सबिनय अवज्ञा आंदोलन को सबिनय अवज्ञा आंदोलन का हम लोग अध्ययन करते हैं स्वागत तो है आप सभी का आज की क्लास में चलिए शुरुआत करते हैं अब सबसे पहली बात यह है कि आप लोग एक तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन आज करेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का अध्ययन करेंगे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो तीसरा चरण है स्वतंत्रता आंदोलन का पहला दूसरा नहीं जो तीसरा और अंतिम चरण है उसके चरण की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में है उसका अध्ययन करेंगे इसके पूर्व एक दो बातें और हम लोग जान लें कि यह महात्मा गांधी का अखिल भारतीय आंदोलन था इसके पूर्व महात्मा गांधी ने एक अखिल भारतीय आंदोलन किया था उसका नाम था असहयोग आंदोलन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब अवज्ञा आंदोलन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे किन किन पहलुओं किन किन खंडों के अंतर्गत हम लोग इस सबने अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं तो सबने अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन हम लोग कई खंडों के माध्यम से करेंगे कई खंडों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे इस तरीके से अगर हम लोग इतिहास में ही नहीं किसी भी सामान्य अध्ययन या ऑप्शनल की किसी भी पेपर में किसी भी पक्ष या खंड का अध्ययन करते हैं वह जो टॉपिक होता है अगर टुकड़ों में बांट के हम उसका अध्ययन करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है और उसके हर पक्षों पे हमारी नजर चली जाती है ऐसे में जब मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो बड़े आराम से आप लोग उसको कर लेते हैं इसीलिए हमने सबने अवज्ञा आंदोलन के अध्ययन को कई खंडों में बांटा है पहला खंड आपके सामने है कि किसे कहते हैं सबिनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहते हैं ने अवज्ञा आंदोलन हम लोग इस बात को देखेंगे यानी ने अवज्ञा आंदोलन का सामान्य परिचय क्या होगा कब यह शुरू हुआ किसके नेतृत्व में शुरू हुआ क्या खास इसकी बात है हम लोग इस बात को पहले खंड में देखेंगे दूसरी बात आती है कि भाई ये जो ने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ आखिर महात्मा गांधी और भारतीय लोगों ने इसको क्यों प्रारंभ किया मुख्य परीक्षा का एक तरीके से प्रश्न है और प्रारंभिक परीक्षा में भी यहां से जुड़ी हुई बातें आती हैं मैं आपको बताऊंगा तो यानी सबिनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था या उद्देश्य क्या था जैसे आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि भाई आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्यों उसी तरीके से यह भारत में सबिनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया तो क्यों इसे प्रारंभ किया गया क्या इसका उद्देश्य था क्या इसका संकल्प था इसको हम लोग पढ़ेंगे दूसरे खंड के अंतर्गत इसके अलावा ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन है इस आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा से होता है तो क्या है दांडी यात्रा किसे कहते हैं दांड्री यात्रा ये किन क्षेत्रों के बीच में महात्मा गांधी ने इस यात्रा को किया था इसमें कैसे कैसे लोग शामिल हुए थे और कैसे फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार इस आंदोलन के माध्यम से बढ़ा था इस पक्ष को भी हम लोग देखेंगे बहुत रोमांचकारी पक्ष है ये इतिहास का दांडी यात्रा का ठीक इसके बाद में आप लोग देखेंगे तो इसका जो चौथा पक्ष है ना ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन है इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसे नमक आंदोलन और नमक को ही इस आंदोलन का प्रतीक या सिंबल क्यों बनाया गया तो यानी यह ऐसा आंदोलन है जिसके पास अपना प्रतीक है जिसके पास अपना नारा है अगर नारा है और प्रतीक है तो बात ही निराली है आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और पांचवें पक्ष को देखते हैं अब सबने अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या है इसकी विशेषताएं है क्या हैं यह भी मुख्य परीक्षा का प्रश्न है अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछे कि सबने अवज्ञा आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उसके मुख्य मुख्य विशेषताओं को समझाइए बहुत अच्छा प्रश्न होगा सामान्य प्रश्न नहीं होगा विशेष प्रश्न होगा ये और प्रारंभिक परीक्षा में भी यहां से प्रश्न आते हैं तो यहाँ के एक तरीके से जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट वाली प्रमुख बातें भी हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रश्न मुख्य परीक्षा से आ जाए तो उसको भी कर लें। आगे छठवा पक्ष है सबने अवज्ञा आंदोलन का विस्तार जो सबने अवज्ञा आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ दांडी यात्रा से लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया अब भारत के किन किन क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रसार मुख्य रूप से देखने को मिला वहां पे किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया इसका मुखिया उस क्षेत्र में कौन था और किस किस क्षेत्र में यह आंदोलन इस आंदोलन का प्रसार तो हुआ लेकिन थोड़ा सा वहां पे आंदोलन मध्यम रहा उसको भी हम लोग देखेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये कुल यहाँ पे छह पक्ष हो गए इस आंदोलन के इसमें और भी कुछ पक्ष हैं उसको भी देख लेते हैं उसके बाद में अब यह जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका जो सातवां पक्ष है आप लोग इस पक्ष को हो सकता है कि पढ़े हो लेकिन इस तरीके से ना पढ़े हो सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ रोमांचकारी घटनाएं अगर आपसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को बताते हुए इस आंदोलन के मध्य में हुई कुछ रोमांचकारी घटनाओं का वर्णन कीजिए इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो यह जो पहलू है ये एक प्रश्न के रूप में है और यहां से आप लोग देखिएगा क्या क्या रोमांचकारी घटनाएं हैं कैसी कैसी रोमांचकारी घटनाएं हैं उसके मुख्य तथ्य क्या है यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो जाएगा तो यह जो अध्ययन होगा ये मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म का अब तक का सबसे डिफरेंट अध्ययन होगा तो तैयार रहिए आप लोग इसके लिए इसके अलावा यह जो सबने अवज्ञा आंदोलन है इस सबने अवज्ञा आंदोलन की सामाजिक भागीदारी क्या है यानी हमारे भारतीय समाज के किन किन वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया क्या हिंदुओं ने भाग लिया क्या मुस्लिमों ने भाग लिया क्या स्त्रियों ने भाग लिया क्या आप लोगों ने यानी छात्रों ने भाग लिया क्या कृषकों ने भाग लिया क्या अंबेडकर ने इस आंदोलन को समर्थन दिया क्या सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया इस समय जो कृषक प्रजा पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है क्या इस आंदोलन को देखेंगे हम लोग इस पक्ष को भी इसके अलावा ये पक्ष आप लोग देखिए और सोचिए एक बार यही सोचना प्रारंभ कर दीजिए ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन है इस सबिनय अवज्ञा आंदोलन में और इसके पूर्व आप लोग देखे होंगे कि एक और अखिल भारतीय आंदोलन हुआ था असहयोग तो आंदोलन और सबिनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर है कैसे इसको अलग किया जा सकता है अवज्ञा आंदोलन को और असहयोग आंदोलन को कैसे अलग किया जा सकता सकता है वे मुख्य तत्व कौन से हैं जिसके माध्यम से इन आंदोलनों के बीच में एक सीमा रेखा खींची जा सकती है तो कौन कौन से मुख्य तत्व हैं इसको हम लोग नवे पहलू के अंतर्गत देखेंगे इसके अलावा अवज्ञा आंदोलन का जो समापन होता है वह महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस समय के ब्रिटिश वायस राय इरबिन के बीच में एक समझौते के माध्यम से होता है इसे हम लोग गांधी इरबिन समझौते के नाम से जानते हैं तो क्यों हुआ गांधी इरबिन समझौता इस समझौते के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं इसका अध्ययन हम लोग दसवें पक्ष के अंतर्गत करेंगे और ग्यारहवा एवं अंतिम पक्ष यह है कि इस आंदोलन के मध्य में जो आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारियों ने किन किन साधनों का प्रयोग किया था इसको भी हम लोग देखेंगे ठीक तो तैयार हो जाइए पूरी तरीके से आगे बढ़ते हैं स्वागत है आप सभी लोगों का और इस क्लास को भी आप लोग एक बार शेयर कर लें थोड़ा भागीदारी यहां पे बढ़ जाए हां गांधी इन समझौता सभी लोग इस क्लास को भी शेयर कर लें एक बार चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसको ने अवज्ञा आंदोलन को ने अवज्ञा आंदोलन को सबसे पहले इसका सामान्य परिचय किसे कहते हैं ने अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा आंदोलन तो एक बात में आपको बता देता हूं कि भारत में दो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था एक सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग देखेंगे कि 1930 में प्रारंभ हुआ और 1931 में समाप्त हो गया और जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह अभी महात्मा गांधी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था वह 1932 से लेकर 34 तक वह आंदोलन चला था हालांकि उस आंदोलन में जनता की भागीदारी कम थी इसीलिए उसको महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था और इस आंदोलन को ही याद किया जाता है ये जो पहला सबने अवज्ञा आंदोलन है यह आंदोलन आप लोग देखेंगे तो 1930 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन 1931 के 1930 से प्रारंभ होकर 1931 तक यह आंदोलन चला था यह जो सबने अवज्ञा आंदोलन था यह है महात्मा गांधी का दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था यह महात्मा गांधी का दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था ध्यान रखिएगा यह दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था अब आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कितने अखिल भारतीय आंदोलनों को अपने नियंत्रण में चलाया था तो आप लोग कहेंगे कुल तीन अखिल भारतीय आंदोलनों को अपने नियंत्रण में चलाया था एक इसके पूर्व 1920 में असहयोग हो गया एक ये हो गया एक क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन हो गया यह जो सबने अवज्ञा आंदोलन है यह मुख्यतया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 सौ ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू किया गया नमक को महात्मा गांधी ने इसमें इस, इस आंदोलन का प्रतीक बनाया लेकिन अंततोगत्वा 1931 सौ ईस्वी में महात्मा गांधी और इस समय के वायसराय इरविन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है उधर इरबिन भी परेशान था और इधर महात्मा गांधी भी इस तरीके से परेशान थे क्योंकि जनता की भागीदारी इस आंदोलन में धीरे धीरे कम हो रही थी तो दोनों ने समझौते का उचित समय समझते हुए एक समझौता किया और इसी समझौते के माध्यम से राष्ट्रपिता ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यह जो आंदोलन है सबने अवज्ञा आंदोलन यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भारत में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है 1930 में इस रिपोर्ट से भारतीय जनता खुश नहीं है संतुष्ट नहीं है क्या है इस रिपोर्ट में क्यों भारतीय जनता खुश नहीं है संतुष्ट नहीं है इसको आइए हम लोग देखते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ये साइमन कमीशन है जो साइमन कमीशन है साइमन कमीशन को थोड़ा सा आप लोग देखिए साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन अगर साइमन कमीशन की बात आती है तो आपसे एक प्रश्न जरूर यहां पे पूछने का मन बनता है कि ये जो साइमन कमीशन है इस साइमन कमीशन का ब्रिटिश सरकार ने गठन कब किया था ये जो साइमन कमीशन है इसका गठन कब किया था और क्यों किया था तो जरा आप लोग बताइए इसका गठन कब किया था ब्रिटिश सरकार ने और ये कितनी बार भारत आया था साइमन कमीशन साइमन कमीशन तो साइमन कमीशन की अगर बात की जाती है तो इसके कई पक्ष हैं आइए हम लोग देखते हैं इसके पक्षों को अब अगर इसके गठन की बात आती है तो इसका गठन कब किया गया था इसका गठन 1927 सौ ईस्वी में किया गया था और ब्रिटिश सरकार ने इसका गठन किया था इसका जो अध्यक्ष था वो जॉर्ज साइमन था इसीलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है एक बात और समझिएगा आप लोग आप लोगों ने देखा होगा तो 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919 का जब भारत सरकार अधिनियम आया था तो उसमें एक बात यह थी कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारत में जो संवैधानिक विकास किया जा रहा है उस संवैधानिक विकास की समीक्षा के लिए प्रति दस वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाएगा एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा या एक प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाएगा तो भाई दस वर्ष की अगर बात थी और 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था तो आप लोग तो कहेंगे तुरंत कि सर इस हिसाब से तो उन्नीस में साइमन कमीशन का गठन किया जाना था लेकिन आप तो बता रहे हैं कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया तो हां यह सच्चाई है कि उन्नीस में गठन किया जाना था लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हो गया क्यों इसका कारण यह है कि उन्नीस में ब्रिटेन में आम सभा का चुनाव होना था यानी वहां की संसद का चुनाव होना था इसलिए वहां की जो पार्टी थी वो भारतीयों के परिपेक्ष में एक कमीशन का गठन करके भारतीयों के परिपेक्ष में कुछ लोक लोभावनी या परोपकारी बातें करना चाहती थी और यह बातें करके भारतीयों का दिल जीतना चाहती थी और ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों का वोट लेना चाहती थी अब ऐसे में वहां की तत्कालीन सरकार ने 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया अब जब साइमन कमीशन का गठन 1927 में कर दिया तो यह कमीशन तो गठित हुआ लंदन में ही यानी इंग्लैंड में ही इसका गठन हुआ तो यह कमीशन भारत आएगा और भारत की वस्तु स्थिति का अध्ययन करेगा चाहे वो संवैधानिक स्थिति हो चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बात हो उनका विकास कितना हुआ उनकी प्रगति कितनी हुई उसका अध्ययन करेगा तो आप लोगों से एक प्रश्न है यहाँ पे कि यह जो साइमन कमीशन है यह भारत कितनी बार आया था अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रारंभिक परीक्षा में कि यह भारत कितनी बार आया था साइमन कमीशन तो क्या आप लोगों का उत्तर क्या होगा कितनी बार यह भारत आया था साइमन कमीशन बताइए साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था हम्म बताइए साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था तीन बार भारत आया चार बार भारत आया एक बार भारत आया या दो बार भारत आया विकल्प लीजिए और उत्तर बताइए जल्दी से साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया तो आप लोग कहेंगे कि दो बार भारत आया ठीक बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कितनी बार भारत आया दो बार साइमन कमीशन भारत आया अब यह दो बार जो साइमन कमीशन भारत आया तो आखिर दो बार में दोनों बार कब भारत आया तो आप लोग ये देखिए कि दो बार में यह सर्वप्रथम जो भारत आया यह उन्नीस में भारत आया 1928 में भारत आया बड़े बड़े नेताओं से मिला बड़ी बड़ी पार्टियों के मुख्य मुख्य लीडरों से मिला यह चला गया लंदन 1928 में ही लेकिन यह दोबारा भी भारत आया और यह दोबारा उन्नीस में भारत आया उन्नीस में भारत आया और फिर चला गया ठीक तो 1927 में इसका गठन किया गया 1928 और उन्नीस में यह दो बार भारत आया एक बात इसकी आप लोगों ने जानी अब इसके अलावा आगे थोड़ा सा देखते हैं इसमें और जब उन्नीस में यह साइमन कमीशन पुनः इंग्लैंड वापस गया तो इसकी रिपोर्ट आई थी 1930 सौ ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी 1930 सौ ईस्वी में रिपोर्ट आई थी अब जब साइमन की साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट का भारतीयों ने एक तरफ से विरोध किया इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट का भारतीयों ने विरोध किया एक तरफ से विरोध किया जो जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं सभी ने विरोध किया क्योंकि उधर मुस्लिम मुस्लिम लीग चाहती है कि उसके लिए कुछ अच्छा प्रयास करे ब्रिटिश सरकार इधर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह पूर्ण स्वराज की मांग कर चुकी है उन्नीस के लाहौर अधिवेशन में पहले ही तो उसे पूर्ण स्वराज चाहिए अंबेडकर जी अपनी वर्कर्स पार्टी को बना चुके हैं उन्हें भी कुछ चाहिए जो भारत में तमाम सारे क्रांतिकारी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं जो युवा वर्ग के लोग इस समय ब्रिटिश सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं उन्हें भी कुछ चाहिए लेकिन किसी को कुछ दिया नहीं इसने वास्तविक रूप से और खास बात यह है कि सबको इस समय आजादी चाहिए था सबको इस समय पूर्ण स्वराज चाहिए था सब लोग इस समय ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाना चाहते थे जब ऐसा नहीं हुआ तो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कहीं ना कहीं भारत में एक प्रतिशोध की भावना व्याप्त हो चुकी थी और यही भावना भारतीयों में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी तो एक कारण सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आप लोगों के सामने किसके रूप में आया साइमन कमीशन की रिपोर्ट के रूप में आया इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो इसका जो दूसरा कारण है वो यह है आर्थिक मंदी का किसका है दूसरा कारण आर्थिक मंदी का है ये आर्थिक मंदी आपके सामने है ये उन्नीस से 1930 में यह आर्थिक मंदी आई थी और यह है जो आर्थिक मंदी है इसकी शुरुआत हुई थी कहां से अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी इस आर्थिक मंदी की शुरुआत कहां से हुई थी तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कहिए इसकी अमेरिका से शुरुआत हुई थी लेकिन धीरे धीरे अमेरिका से प्रारंभ हुई इस आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था तो विश्व में भारत भी था अब जब पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया और इसमें भारत भी है तो भारतीयों में से किसके ऊपर इसका ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो आप लोग देखोगे कि इस आर्थिक मंदी का भारत के जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते चले गए क्यों गरीब होते चले गए क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो जो गरीब लोग हैं उनको तो जीना बहुत मुश्किल है जीना मतलब जो सामान्य वस्तुएं हैं खाने पीने की वही नहीं मुहैया हो पा रही हैं इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो लेबर क्लास के लोग हैं लेबर मतलब जो मजदूर हैं लेबर का मतलब किससे है जो मजदूर हैं अब ये जो आर्थिक मंदी आ गई तो विभिन्न प्रकार के जो भारत में उद्योग थे वो बंद हो चुके थे और जो उसमें ये मजदूर काम कर रहे थे इन, इनका भी एक तरीके से जो कार्य था वो बंद हो चुका था तो ये भी बहुत ज्यादा परेशान थे अब जब उद्योग बंद हो गए थे तो बड़े बड़े उद्योगपति भी इससे प्रभावित होंगे कौन प्रभावित होगा उद्योगपति भी तो इससे प्रभावित होंगे अब ये सब जब प्रभावित होंगे तो ये किसकी तरफ आएंगे भारतीयों की तरफ आएंगे, आएंगे इनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी और इनका अप्रयोग कौन करेंगे इनका अप्रयोग भारतीय राष्ट्रवादी नेता करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां पे पहली बार मजदूरों का सपोर्ट मिल रहा है किसी अखिल भारतीय आंदोलन को पहली बार उद्योगपतियों को सप उद्योगपतियों का सपोर्ट मिल रहा है किसी अखिल भारतीय आंदोलन को ध्यान में रखिएगा इस बात को और यहाँ पे जो आम लोग हैं जो आम जनमानस है वो उसमें भी त्राहीमाम की स्थिति है अब इस स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासन ने भारत में कोई भी काम नहीं किया कि थोड़ा सा महंगाई कम हो जाए थोड़ा सा रोजगार मिल जाए इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई काम नहीं किया अब जब ब्रिटिश सरकार ने इस समय कोई काम नहीं किया तो भारत में नाराजगी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भारत में नाराजगी बढ़ेगी तो भारत में नाराजगी बढ़ी और यह नाराजगी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में आपके सामने 1931 में प्रकट हुई ठीक इसके अलावा अब ये जो आर्थिक मंदी है इस पर महात्मा गांधी ने बात करने का प्रयास इस समय के वायस राय इरबिन से किया था लेकिन इरबिन तो इस समय अहम में डूबा था अहंकार में डूबा था वो कहता था कि मैं तो वाय हूं मैं ब्रिटिश महाराजा का भारत में सीधे प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं एक हार्ड के व्यक्ति से कैसे मिल सकता हूं यानी गांधी जी से कैसे मिल सकता हूं उसमें इतना अहम था महात्मा गांधी से मिलने की तो बात छोड़ो बात करने से इस समय इरविन ने इनकार कर दिया तो महात्मा गांधी के समय कोई चारा नहीं था उनके सामने कोई चारा नहीं था ऐसे में देखिए कि जो महात्मा गांधी थे वो कितने नियोजित थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है उन्होंने इनकार कर दिया कोई बात नहीं अब महात्मा गांधी ने इस समय देखो किस तरीके से ऑफिशियली महात्मा गांधी ने इरविन से जुड़ने का प्रयास किया तो महात्मा गांधी ने इनका जो महात्मा गांधी का पत्र है एक जिसका नाम है यंग इंडिया यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने कुल ग्यारह बातें छपवाई और इन ग्यारह बातों को ब्रिटिश सरकार के सामने यानी वायस राय के सामने पेश किया और ग्यारह बातों की मांग की कि हमें ग्यारह बातें बातों का अधिकार दिया जाए इसी को महात्मा गांधी की क्या कहते हैं गांधी जी की ग्यारह सूत्रीय मांगों के नाम से जानते हैं तो महात्मा गांधी का एक पत्र है जिसका नाम है यंग इंडिया यंग इंडिया के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपनी ग्यारह बातों को ब्रिटिश राय के पास भेजा उसमें कई ऐसी बातें थी जो भारतीयों के पक्ष में थी जो भारतीय लोगों के पक्ष में थी कहीं पे मजदूरी बढ़ाने की बात थी तो कहीं पे कुछ ऋण को घटाने की बात थी तो कहीं पे भारतीयों को कुछ अधिकार दिलाने की बात थी अब इन ग्यारह सूत्रीय मांगों को ब्रिटिश सरकार के वायस राय ने एक तरफा अस्वीकार कर दिया जब एक तरफा अस्वीकार कर दिया तो महात्मा गांधी के सामने अब कोई विकल्प नहीं था इसीलिए महात्मा गांधी ने समय की मांग को देखते हुए एक अखिल भारतीय आंदोलन भारत में फिर छेड़ा जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके अलावा पूर्ण स्वराज का जो बोल बाला था इसके पूर्व जैसे हमने आपको बताया है कि इसके पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि आज तो पाकिस्तान में है लेकिन इसका नाम क्या है इसका नाम है लाहौर ये जो लाहौर है ये राबी नदी के किनारे स्थित है ये राबी नदी के किनारे स्थित है समय है उन्नीस सौ ईस्वी का और उन्नीस सौ ईस्वी में इसी लाहौर नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था और ये जो लाहौर अधिवेशन उन्नीस का है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी किसने की थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने और इसी में अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से एक प्रस्ताव पारित करवाया था और इस प्रस्ताव का नाम था पूर्ण स्वराज अब स्वराज की मांग नहीं कर रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चाहती है पूरा पूरा पूर्ण स्वराज चाहती है अब उसकी कोई सीमा नहीं है और पूर्ण स्वराज का मतलब है कि ब्रिटिश शासन ब्रिटिश सत्ता भारत से चली जाए ब्रिटेन और भारतीय सत्ता को भारतीय हाथों में वो सौंप दे पूर्ण स्वराज का मतलब ये है और एक तरीके से ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं कहीं ना कहीं युवा नेता हैं तो युवा नेता हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और पूर्ण स्वराज जैसा प्रस्ताव पारित करवा ले रहे हैं कांग्रेस के मंच से इसका मतलब इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की ठीक ठाक पैठ यानी युवाओं की ठीक ठाक पैठ है तो ये जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवा लिया तो इसका इतना ज्यादा बोल बाला है कि इसके अंतर्गत जो भारत का युवा वर्ग है वो खींचा चला आ रहा है वो कहता है हमें क्या चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए और पूर्ण स्वराज तब तक नहीं मिल सकता जब तक भारत में कोई अखिल भारतीय आंदोलन इस समय ना हो इसी परिपेक्ष में गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय आंदोलन हुआ तो ये तो इसके कारण रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण रहे कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये क्यों हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है यह दांडी मार्च से होती है आइए दांडी मार्च या दांडी यात्रा को हम लोग देखते हैं दांडी मार्च या दांडी यात्रा को हम लोग देखते हैं क्या है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई दांडी यात्रा इसका नेतृत्व किसने किया डांडी तो यात्रा के परिपेक्ष में कुछ यहाँ पे तथ्य हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं आइए इनको देखते हैं हम लोग इन तथ्यों में से एक एक को आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा कहा जा रहा है कि जनवरी 1930 सौ ईस्वी में ये जो साबरमती है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है साबरमती नदी भी और साबरमती स्थान भी क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि जो आयसा नामक लड़की है उसकी वजह से थोड़ा सा यह चर्चा में है साबरमती नदी और साबरमती नामक स्थान ये नदी और स्थान ये दोनों गुजरात में है अब समय है जनवरी 1930 का और साबरमती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और गांधी जी को यानी राष्ट्रपिता को यही सबिने अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति इसी साबरमती कांग्रेस में मिली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मिलित रूप से यह कहा गांधी जी को कि आप भारत में एक अखिल भारतीय आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं कब यह है अनुमति मिली गांधी जी को यह अनुमति मिली जनवरी 1930 में इसको याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यह अब महात्मा गांधी ने अपना अखिल भारतीय आंदोलन के लिए कमर कस ली पूरी तरीके से तैयार हो गए महात्मा गांधी अब मार्च 1930 में 11 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया बिल्कुल इसको अस्वीकार कर दिया 11 सूत्रीय मांग को जब 11 सूत्रीय मांग को अस्वीकार कर दिया ब्रिटिश सरकार ने तो महात्मा गांधी मजबूर हो गए अब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 सौ ईस्वी को दांडी यात्रा से इस आंदोलन की शुरुआत की अब ये जो 12 मार्च है इसी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है इसकी तिथि को याद रखना एक दो तिथि को आपको याद रखना पड़ेगा 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं ठीक अब इसी दिन यानी 12 मार्च को ही ये जो गांधी जी हैं इनके कुछ हित ऐसी हैं इनके अपने दोस्त हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जो इनके साथ शामिल होते हैं और कुल अठहत्तर लोग शामिल होते हैं कितने शामिल होते हैं इसको ध्यान रखिएगा सेवनटी एट कितने शामिल होते हैं भैया उत्तर बताइएगा सेवनटी एट लोग शामिल होते हैं ठीक अठहत्तर अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने नवसारी के लिए यात्रा अपनी प्रारंभ कर दी ये जो साबरमती आश्रम है ये कहाँ है साबरमती आश्रम कोई बता सकता है गुजरात में ये जो साबरमती आश्रम है जल्दी से आप लोग बताओ ये है बड़ौदा में है ये है सूरत में है ये है गांधीनगर में है ये अहमदाबाद में है ये साबरमती आश्रम कहाँ है बताइए जल्दी से हाँ साबरमती आश्रम कहाँ है साबरमती आश्रम कहां है बताइए देखता हूं कौन बताता है साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम गुजरात में ही है लेकिन पर्टिकुलर इसकी लोकेशन क्या है हाँ अहमदाबाद बड़ी अच्छी बात बड़ी अच्छी बात हाँ तो ये साबरमती आश्रम कहां है तो साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद में है यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है यानी महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अठहत्तर अनुयायियों के साथ में प्रारंभ की थी नवसारी के लिए महात्मा गांधी ने प्रस्थान किया था आगे की बात देखिए अब ये आप लोगों से प्रश्न अगर पूछा जाए कि ये एक तरीके से कितने दिन की यात्रा थी तो ये जो यात्रा थी वो कुल चौबीस दिनों की यात्रा थी कुल कितने दिनों की दांडी यात्रा थी तो कुल चौबीस दिनों की दांडी यात्रा थी और यह भी आप लोग ध्यान दीजिए कि यह पूरी तरीके से पैदल यात्रा थी इसमें कहीं भी किसी तरीके की गाड़ी वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया ये पैदल मार्च था अब गांधी जी राष्ट्रपिता थे बहुत चतुर थे बहुत चालाक भी थे सातिर भी थे इतने साधारण नहीं थे बहुत असाधारण व्यक्तित्व था उनका अब बात आती है कि गांधी जी ने इस यात्रा को पूरी तरीके से पैदल यात्रा के रूप में ही क्यों बदला वो चाहते तो इस आंदोलन में बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो उद्योगपति एक सेकंड में महात्मा गांधी को गाड़ियां उपलब्ध करवा देते लेकिन क्यों उन गाड़ियों यानी भौतिकवादी वस्तुओं का गांधी जी ने प्रयोग नहीं किया इन्होंने पैदल यात्रा की क्यों इसलिए पूरी तरीके से पैदल यात्रा की कि गांधी जी इस समय चाहते थे कि जो भारत का ग्रामीण अंचल है और वहां के जो लोग हैं वहाँ का जो जनमानस है चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो युवा वर्ग है चाहे वो वृद्ध वर्ग है ग्रामीण समाज का हर वर्ग इस आंदोलन से जुड़े गांधी जी ने पैदल मार्च किया वो कुछ घंटों मार्च करते थे फिर रुकते थे फिर मार्च किया उन्होंने और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग विपिन चंद्रा को ही पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी को एक विशाल सपोर्ट मिला था इस समय गांधी जी को भारतीय जनता का इस पैदल मार्च के कारण एक बहुत बड़ा जुड़ाव कायम हुआ था एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी जी ने ही बहुसंख्यक के रूप में तब्दील किया था अल्पसंख्यक नहीं रह गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपने देखा जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो जो डफरिन उस समय का वायस राय था वो कांग्रेस को अल्पसंख्यक कहता था कहता इसमें कोई है ही नहीं लेकिन अब कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह कह के ताना नहीं मार सकता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है अब इसको बहुसंख्यक के रूप में तब्दील अगर किसी ने किया तो महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व तो ही है तो देखिए महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अब ये पूरी तरीके से पैदल मार्च सारा वर्ग जुड़ा इससे इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अहमदाबाद से नवसारी के बीच की दूरी कितनी थी तो आप लोग क्या बताओगे क्या आप लोगों ने पढ़ा है यहां पे भी जो लिखा है वो गलत लिखा है यहाँ पे भी जो टाइप में किया हुआ है वो एक तरीके से गलत किया हुआ है 240 किलोमीटर लिखा हुआ है ये गलत है तो आप लोग क्या बताओगे कि कितनी मील की दूरी थी आप मील में मुझे बताओ आप लोग मील में बताओ कि यह जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी यह कितनी दूरी की थी कितने मील की थी आप लोग ये बताओ जल्दी से देखता हूं कौन सही बता सकता है किलोमीटर में मत बताओ आप मील में बताओ मुझे मील में ही पूछा है मील में सारे लोग बताओ मिल के मील में बताना है मील यानी माइल हम्म काफी लोगों का उत्तर आ रहा है और खूब अलग अलग उत्तर आ रहा है कोई 150 कोई 200 कोई 250 कोई, कोई 375 सौ पचहत्तर हाँ यही मैं देखना चाह रहा था यही मैं देखना चाह रहा था दो सौ चौबीस बीस मील भी उत्तर आ रहा है तीन सौ पचासी माइल उत्तर आ रहा है हाँ तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अहमदाबाद से नवसारी के बीच की दूरी है जो दांडी यात्रा का पूरा मार्ग है कुछ लोगों ने इसमें सही बताया है वो लोग समझ रहे होंगे जिन्होंने सही बताया है तो इनकी जो दूरी है वो 240 किलोमीटर नहीं है तो 240 मील ही है यानी 240 माइल ही है ध्यान रखिएगा आप लोग 240 मील है इसकी दूरी कितनी है इसकी दूरी 240 मील या माइल इसकी दूरी है किलोमीटर नहीं है बिपिन चंद्रा साहब ने यह बात बड़े अस्पष्ट रूप से अपनी किताब में लिखी हुई है उन्हीं की एन भी है उसी को माना भी जाएगा किसी गाइड को नहीं माना जाएगा ध्यान रखिएगा इस बात को बिपिन चंद्रा साहब ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है और उन्हीं ने टी भी लिखा है तो कोई इसे काट नहीं सकता इसे कोई नहीं काट सकता तो 240 मील ध्यान रखिएगा, ठीक 240 मील है इसीलिए इसको किलोमीटर को मैं यहां पे मिटा रहा हूं अब 240 किलो मील की यह है दूरी महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को पूरी की 12 मार्च को शुरू किया 6 अप्रैल 1930 को पूरा किया कुल कितने दिन लगे 24 दिन लगे ठीक कुल कितने दिन लगे 24 दिन महात्मा गांधी को लगे अब महात्मा गांधी नवसारी पहुंचे नवसारी समुद्र का बहुत बड़ा तट था वहां पे पहुंचे पहुंचने के बाद में क्या किया समुद्र के किनारे पहुंचे समुद्र के किनारे ही उस समय नमक बनता था एक मुट्ठी नमक उठाया और इस समय जो नमक कानून था एक मुट्ठी नमक उठा के महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ दिया एक बात और थी इस आंदोलन के शुरू करने में कि इस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक जैसी आधारभूत वस्तु पर कर की राशि बढ़ा दी थी नमक जैसी वस्तु पर अब गांधी जी ने इस, इस बात को सीधे सीधे समझ लिया था कि नमक जैसी वस्तु को अब बनाया जा सकता है किसी आंदोलन का प्रतीक तो गांधी जी गए और ये जो नमक कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया था इसी कानून के अंतर्गत नमक पर कर थोड़ा सा बढ़ा दिया था तो नमक कानून को एक तरीके से तोड़ा समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाकर महात्मा गांधी ने अब बात यह है कि ये जो दांडी यात्रा है इस दांडी यात्रा का महत्व तो क्या है ये जो दांडी यात्रा है इस दांडी यात्रा का महत्व तो क्या है ये जो दांडी यात्रा है इसका क्या महत्व तो है इसको आप लोग यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से समझिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो दांडी यात्रा 12 मार्च को महात्मा गांधी ने 1930 में प्रारंभ की और अप्रैल को 6 अप्रैल 1930 को समाप्त की कुल 24 दिनों की यात्रा थी कुल 240 मील की यात्रा थी तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसका महत्व तो क्या है इसकी उपयोगिता क्या है भारतीय इतिहास में यह यही पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस दांडी यात्रा का क्या महत्व तो है क्या उपयोगिता है तो क्या बताएंगे आप लोग तो ध्यान दीजिए कि यह जो यात्रा थी ये पूर्ण रूप से पैदल यात्रा थी अभी तक क्या होता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग किसी सभा या सम्मेलन का संचालन करते थे तो एक बढ़िया सा मंडप होता था एक मंच होता था वहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठते थे और अपना लेक्चर्स वगैरह दे के वो लोग अपने घर वहीं से निकल जाते थे तो इससे क्या होता था इससे ये होता था कि जो भारत का आम जनमानस है आप हैं हम हैं या जो गरीब लोग हैं यह जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ नहीं पाते थे यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग रहते थे जुड़ ही नहीं पाते थे अब ये पूरी तरीके से पैदल मार्च है अब यह यात्रा कहीं गांव से कहीं पोखरे से कहीं तालाब से कहीं नदी से या ऐसे ही कहीं बांध से होकर गुजर रही है तो इससे इस समय जो भारत के आम लोग हैं आम का मतलब आम मत समझिएगा मतलब आप और हम लोग ठीक हम लोग आम लोग ही तो हैं विशिष्ट है नहीं आम है साधारण है विशेष लोग तो हम हैं नहीं तो आप लोग और हम लोग भी महात्मा गांधी से जुड़ने के लिए आतुर हो गए कि भाई महात्मा गांधी को इस समय अवतारी पुरुष तो लोग मानते ही थे लोग यह मानते थे कि भाई ये तो धरती पर ईश्वर की परछाई है ये तो जो भी काम करते हैं उसमें सफलता ही इनको हाथ लगती है तो जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे कि अरे फलाने मंत्री का हेलीकॉप्टर आ रहा है चलो भागो 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 उसी तरीके से एक तो इस समय तरीके से खास तौर पर विशेष रूप से इस समय लड़ रहा था अहिंसा के रास्ते पर वो भी चल के तो इतना आसान नहीं था तो आम लोग इस आंदोलन से जुड़े इसके अलावा गांव के लोगों से जुड़ने के लिए आंदोलन में ये जो गांव के लोग या आम लोग या साधारण वर्ग भारत का इस आंदोलन से जुड़ा तो इस आंदोलन से जुड़ने के बाद इस आंदोलन में एक डिफरेंट तरीके से एक ताकतवर सक्रियता का आभास हुआ इस समय सबने अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च में एक तरीके से जोत और उत्साह की भावना पनपी एक तरीके से जो राष्ट्रवादी भावना है उसने उबाल लिया अच्छे तरीके से यही यहां पे कहा जा रहा है और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो दांडी मार्च है भारत का मीडिया तो इसमें शामिल ही था अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस कई देशों की मीडिया यहां पे थी और इस यात्रा को व्यापक इस विदेशी मीडिया ने कवरेज दिया था तो विदेशी मीडिया ने जब कवरेज दिया तो विदेशों में भी यह यात्रा दिखाई गई जब विदेशों में यह यात्रा दिखाई गई तो निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से जो विदेशी हैं वो यह समझेंगे कि भाई देखो कितना गजब का नेता है गजब का इसका व्यक्तित्व तो है कि पैदल यात्रा कर रहा है इतने अनुयायी हैं इसके साथ में और इसमें बार बार ये अपनी सभाओं में जनता को संबोधित करते हुए कहता है कि, कि किसी भी तरीके से हिंसा नहीं दिखनी चाहिए इस तो समय एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है पूछा भी जा सकता है कि इस समय विदेशी मीडिया में एक अमेरिका का पत्रकार था और इसका नाम था बेब मिलर एक अमेरिका का पत्रकार था इसका नाम था सॉरी एक अमेरिका का पत्रकार था इसका नाम था बेब मिलर कहाँ का पत्रकार है अमेरिका का है ना हम्म मिलर ने इसे व्यापक कवरेज प्रदान किया था किसने व्यापक कवरेज प्रदान किया था बेब मिलर ने यह कहाँ का पत्रकार है यह कई बार पूछता है यह कहां का पत्रकार है अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा प्रश्न दिखाता हूं आपसे प्रश्न पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा आंदोलन यानी सी डी एम सबने अवज्ञा आंदोलन को किस, देश के, को किस देश के पत्रकार ने किस देश के पत्रकार ने व्यापक कवरेज प्रदान किया था व्यापक कवरेज प्रदान किया था तो किस देश के प्रदान किया था ये किस देश का था तो आप लोगों को पता ही है ये कहाँ का था यह अमेरिका का था ये कहाँ का था यह अमेरिका का था और अमेरिका का यह जो पत्रकार था इसका नाम था मिलर और एक बात आप लोग समझिएगा जो बिपिन चंद्रा की किताब है उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो इसका आधा शब्द लिखा हुआ है मिलर लिखा हुआ है वो बेब नहीं लिखते हैं लेकिन इसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है बेब मिलर ठीक तो वहां पे परेशान नहीं होना है ये वही बेब मिलर है और ये अमेरिका का पत्रकार है क्योंकि हमने विपिन चंद्रा की एक एक लाइन पढ़ी हुई है एक एक शब्द हमें पता है कि वो कहाँ पे क्या लिखते हैं तो उन्होंने मिलर लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा खोल के उन्होंने बेब नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम है बेब मिलर सबने अवज्ञा आंदोलन का व्यापक वर्णन करता है ठीक अच्छा यहीं पे एक प्रश्न और बनता है यहीं पे एक प्रश्न और बनता है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जो क्विट इंडिया मूवमेंट है यानी भारत छोड़ो आंदोलन है भाई सबने अवज्ञा आंदोलन को व्यापक कवरेज तो इस बेब मिलर ने प्रदान किया लेकिन यहीं से मान लो ये प्रश्न बन जाए कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको व्यापक कवरेज किसने दिया था तो इसको लुई फिशर ने दिया था यह भी एक पत्रकार है इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग लिख लीजिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन को कवरेज किसने दिया बेब मिलर ने और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को लुई फिशर ने दोनों बात लिख लीजिए लुई फिशर और बेब मिलर लुई फिशर और बेब मिलर अभी आते हैं उसपे यादव जी विकास यादव जी चिंता मत कीजिए उसको भी आज आप लोग जान ही लेंगे उस पक्ष को भी आप लोग जान ही लेंगे भगत सिंह वाला पक्ष बड़ा जुनून है उसको जानने के लिए अभी बिल्कुल आप लोग शांत पड़ जाएंगे उस पक्ष को भी जानेंगे आज ठीक आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक यहां पे आप लोग देखेंगे कि इस आंदोलन को विदेशी मीडिया ने कवरेज तो प्रदान किया और भारतीय समाज के सभी लोग इस आंदोलन से जुड़े इसलिए भी इस आंदोलन का अपना स्थान है अपनी उपयोगिता है आजादी की लड़ाई में इस दांडी यात्रा का विशेष योगदान है अब अगला जो पहलू है वो है इस आंदोलन के तहत जो नमक इस आंदोलन का प्रतीक बना सिंबल बना तो आखिर नमक का चुनाव महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के मध्य क्यों किया तो नमक एक ऐसी वस्तु है जो धर्म निरपेक्ष वस्तु है अच्छा बताइए नमक का किसी धर्म से ताना बाना कुछ है कोई कहता है कोई भी सेक्ट या कोई भी संप्रदाय या कोई भी धर्म यह कहता है कि नमक हमारे धर्म की वस्तु है कोई है ऐसा कहता हो नहीं कोई ऐसा नहीं कहता तो यानी कि यह कैसी वस्तु है फिर यह धर्म निरपेक्ष वस्तु है यह धार्मिक वस्तु नहीं है तो महात्मा गांधी समझदार इंसान थे, थे उन्होंने समझा कि एक ऐसी वस्तु का चुनाव किया जाए जिससे इस समय भारत के सभी धर्मों के लोग जुड़े किसी भी धर्म का व्यक्ति यह ना कह पाए कि भाई महात्मा गांधी ने एक ऐसे वस्तु का चुनाव किया जो मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है जैसे इसके पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्वदेशी आंदोलन हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था लोगों ने राखी का त्यौहार मनाया एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी गंगा नदी में स्नान किया इसका मतलब क्या है जो आंदोलन था वो हिंदूवादी आंदोलन अब कहा जाने लगेगा लेकिन इसको तो किसी ने हिंदूवादी आंदोलन नहीं कहा क्यों क्योंकि भाई इसमें कोई ऐसा सिंबल ही नहीं है कोई ऐसा प्रतीक ही नहीं है तो एक धर्म निरपेक्ष वस्तु का चुनाव किया और दूसरी बात धर्म निरपेक्ष वस्तु होने के कारण एक ऐसी वस्तु थी कि जिसका प्रयोग सभी लोग करते थे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो चाहे आप हो चाहे हम हों तो इसका मतलब कोई भी इस आंदोलन से शामिल हो सकता था इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक जैसी वस्तु का इस आंदोलन का क्या बनाया प्रतीक बनाया सिंबल बनाया ध्यान रखिएगा इस बात को आगे अब इस कार्यक्रम की विशेषता को देखते हैं ये जो सबिनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी विशेषता क्या है इसका कार्यक्रम क्या है तो जो कार्यक्रम है वही विशेषता है ध्यान दीजिएगा कि इस आंदोलन के तहत नमक कानून का अब उल्लंघन किया गया अभी तक क्या होता था कि हम लोग किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते थे मतलब अगर उल्लंघन करने की बात आती थी तो कानून को तोड़ने की बात नहीं करते थे अब हम लोग नमक कानून को तोड़ने लगे अभी तक हम लोग धरना देते थे अभी तक प्रदर्शन करते थे और कुछ नहीं करते थे अब हम लोगों ने जो नमक कानून था उसको मानने से इनकार कर दिया हम लोगों में इतनी शक्ति आ गई कि हम लोगों ने क्या किया जो नमक कानून है इसको मानने से इनकार कर दिया हम नहीं मानते नमक उमक कानून को हम नहीं देंगे नमक कानून पे आपको टैक्स तो ये है इसकी मुख्य विशेषता है दूसरी इसकी विशेषता विदेशी वस्तु का बहिष्कार इस समय विदेशी वस्तुओं में आप लोग देखेंगे तो ब्रिटेन के उद्योग की बहुत सारी वस्तुएं यहां पे भरी पड़ी हुई खाने पीने की वस्तुओं से लेके पहनने तक की वस्तुएं चाहे कोई भी वस्त्र हो भारतीय उद्योग भारतीय समाज से भटा हुआ है ब्रिटेन का ब्रिटेन की बनी वस्तुएं अब इस समय जो विदेशी वस्तुएं हैं इन विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार इन विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया बहिष्कार किया गया और इस आंदोलन के अंतर्गत भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई तो ऐसा मत समझिएगा कि ये स्वदेशी आंदोलन है ये स्वदेशी आंदोलन नहीं है लेकिन स्वदेशी आंदोलन जैसी भावना इस आंदोलन में भी देखने को मिल रही है आप तुलना कर सकते हैं जैसे जो स्वदेशी आंदोलन था उस आंदोलन के तहत भी विदेशी भगाओ और स्वदेशी बचाव की बात की गई थी और उसमें कई स्वदेशी उद्योग भी लगे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई आप लोगों ने देखा कि जो स्त्रियां थीं उस स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुईं और जो विदेशी साड़ियां थी उसको पहनने से इनकार कर दिया जो हमारे यहाँ साधु सन्यासी थे वो विदेशी चीनियों से बने प्रसाद को इनकार कर देते हैं इसी परिपेक्ष में इस यानी सबने अवज्ञा आंदोलन के मध्य में भी जो बहिष्कार का मुद्दा रहा वो काफी हावी रहा और बहिष्कार का मतलब है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई एक अगला पक्ष देखते हैं विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई यहां पे क्या किया गया जितने भी विदेशी कपड़े थे उनको इकट्ठा कर लिया जाता था और इकट्ठा करके उनकी होली जैसे होली का समय आ रहा है इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके उनको जला दिया यह इस आंदोलन की क्या है यह एक विशेषता है इसके अलावा करों का बहिष्कार इस समय ब्रिटिश सरकार भारतीयों के ऊपर विभिन्न प्रकार के करों को लगा रही चाहे वो रैयत बाड़ी हो चाहे वो जमींदारी हो चाहे वो महाल बाड़ी हो यानी भू राजस्व से संबंधित तमाम सारे कर हैं व्यापार से संबंधित तमाम सारे कर हैं आयात और निर्यात से संबंधित तमाम सारे कर हैं और करों का भार भारतीयों के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चारों तरफ त्राहीमाम की स्थिति है ना इससे मजदूर प्रसन्न है ना इससे बड़े बड़े उद्योगपति प्रसन्न है ना इससे किसान संतुष्ट है ना आदिवासी लोग संतुष्ट हैं तो क्या होगा भारत का एक तरीके से जो मुख्य सामाजिक वर्ग है वो तो नाराज हो ही तो ये इसकी एक विशेषता है द्रव्यों का बहिष्कार जो नशीले पदार्थ हैं नशीले पदार्थ का मुख्यतया सेवन विदेशी लोग ही करते थे जैसे ड्रिंक्स है ऐसा नहीं कि विदेशी लोग भी करते थे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्राचीन भारत का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने वैदिक युग को पढ़ा होगा तो जो वैदिक युग के देवता हैं उनको तीन श्रेणियों में बांटा है अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि जो वैदिक युग के देवता हैं, उनको तीन श्रेणियों में किसने बांटा है उनको तीन श्रेणियों में किसने बांटा है? है कोई बता सकता है इसमें से तीन श्रेणियों में जो वैदिक युग के देवता हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए और इस उत्तर को बताने का प्रयास कीजिए इस उत्तर को जो बताएगा वैदिक युग के युग के देवताओं को तीन श्रेणियों में किसने बांटा है देवताओं को तीन श्रेणियों में तीन श्रेणियों में किसने बांटा है जो बताएगा वो आज का गोल्ड मेडलिस्ट होगा तीन श्रेणियों में किसने बांटा है चाहे वो देख के ही बताए कोई दिक्कत नहीं है श्रेणियों में किसने बांटा है देख के बताने की भी छूट है किसने बांटा है किसने बांटा है यह प्रश्न है आज का और विकल्प भी दे विकल्प भी चाहिए आप लोगों को किसने बांटा है भाई बताइए अच्छा ऋग्वेद में और किसमें बांटा गया है किस साहित्यकार ने बांटा किस रचनाकार ने बांटा और किसमें बांटा उनकी साहित्य का नाम क्या है जल्दी से बताइए आप लोग तीन श्रेणी यहां पे लिख दे रहा हूं एक है पृथ्वी एक है आकाश एक है आकाश और एक है अंतरिक्ष तीन श्रेणियों में बांट दिया तीन श्रेणियों में बांट दिया और बाटा किसने और बाटा किसने है बाटा किसने है अच्छा कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है मैं समझ गया हूं जिन लोगों का उत्तर आया है सही आया है मैं समझ रहा हूं तो किसने बांटा है तीन श्रेणियों में कुछ लोगों ने बताया है यहां पे और यास्क मुनि ने बांटा है किसने बांटा है यास्क मुनि ने बांटा है पीयूष ने बताया था सबसे पहले मुझे जहां तक लग रहा है और एक वेदांग है यास्क मुनि का वेदांग नामक ग्रंथ है और इसका नाम है निरुक्त इसी नुरुक्त में यास्क मुनि ने देवताओं को तीन श्रेणियों में बांटा है और इसमें जो इंद्र देवता है वो सोम का पान तो करता है वो मूजवंत पीक या मोजवंत चोटी पे मिलता तो है वही तो है ये मादक द्रव्य वही तो है मादक द्रव्य इसमें ड्रिंक्स भी है इसमें तंबाकू भी है इसमें अन्य जो नशीली वस्तुएं हैं उसको एक तरीके से भारतीयों ने क्या कर दिया उसका बहिष्कार कर दिया उसका क्या कर दिया बहिष्कार कर दिया ठीक आगे बढ़ते हैं अब इस आंदोलन का विस्तार एक समय ऐसा था कि दांडी यात्रा से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ अब प्रारंभिक परीक्षा से महत्वपूर्ण तथ्य हैं संबंधित थोड़ा सा तैयार हो जाइए अब एक समय ऐसा था कि ये जो दांडी यात्रा से इस ने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया तो किन किन क्षेत्रों में यह आंदोलन मुख्य रूप से फैला इसका उस क्षेत्र में नेतृत्व तो करता कौन है यह प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आइए इसको देखते हैं तो और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जो यूपीएससी में आया भी है हाँ कमोनी तो पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार और प्रसार देखने को मिला इसमें जो तमिलनाडु नामक प्रांत है इस तमिलनाडु नामक प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजगोपालाचारी साहब ने किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बुजुर्ग नेता हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि कालांतर में भारत के विभाजन का उन्नीस में इन्होंने ही सर्वप्रथम फार्मूला दिया था एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाला वह कांग्रेसी नेता कौन है जो सबसे पहले स्वीकार करता है तो यही है सीराज गोपालाचारी साहब ये भारतीय ये भारत के विभाजन को सबसे पहले स्वीकार करते हैं और विभाजन का फार्मूला भी देते हैं इन्होंने तमिलनाडु के त्रचनापल्ली नामक स्थान से बेदा रणेम की यात्रा की जैसे गांधी जी ने साबरमती से नौसारी की यात्रा की उसी तरीके से सी गोपालाचारी ने भी क्या किया सीराज गोपालाचारी ने त्रचनापल्ली से बेदा रणम की यात्रा की तो ये तो एक तरीके से भारत का पूर्वी तट हो गया अब भारत के पश्चिमी तट पे चलते हैं पश्चिमी तट पे चलेंगे तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा केरल मिलेगा और केरल में दो नेता इस समय बहुत प्रसिद्ध हैं एक का नाम है के के लप्पन और एक का नाम है टी के माधवन तो ये जो के, के लप्पन है और टी के माधवन साहब हैं इन लोगों ने तबिनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार और प्रसार केरल में किया था इसके अलावा कर्नाटक तो जो कर्नाटक में मुख्यतया यह आंदोलन विकसित हुआ था जो इस आंदोलन का कर्नाटक में केंद्र था वो था सैनी कट्टा और इस क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसी विशेष व्यक्ति ने नहीं किया था आम लोग ही इस क्षेत्र के क्या थे नेतृत्व तो करता थे कर्नाटक में ठीक इसके अलावा असम में भी इस आंदोलन का प्रचार और प्रसार देखा गया और असम में एक महिला आंदोलनकारी हैं इनका नाम है श्रीमती चंद्र प्रभा देवी और चंद्र प्रभा देवी ने इस आंदोलन का असम में नेतृत्व किया था तो एक स्त्री आपके सामने आई इस आंदोलन में आपसे पूछ लेगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में एक महिला ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था उसका नाम क्या है तो चंद्र प्रभा है यहाँ पे कौन है चंद्र प्रभा है श्रीमती चंद्र प्रभा श्रीमती चंद्र प्रभा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या आप लोगों की तरफ सही है सब कुछ प्रसारण बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से हो रहा है ना बताइए जरा एक बार कमेंट करके आवाज नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बताइए क्या प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या अच्छा ओके ठीक ओके okay. चलिए और बंगाल में इसका नेतृत्व तो किसने किया तो बंगाल में इसका नेतृत्व तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने किया था सुभाष चंद्र बोस साहब देखिए बंगाल में इस सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी और उनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे इसके अलावा जो इस समय भारत का संयुक्त प्रांत है भारत का संयुक्त प्रांत इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है यहाँ पे नेतृत्व तो कौन कर रहा है गोविंद बल्लभ पंत साहब कर रहे हैं और जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे तो एक मील है बहुत प्रसिद्ध मील है और ये सोलापुर में है और सोलापुर के मजदूरों ने इस आंदोलन का नेतृत्व तो किया इसके अलावा जो असम और मणिपुर का क्षेत्र है जो नागालैंड का क्षेत्र है इसमें बढ़ चढ़ के जिस आंदोलनकारी ने नेतृत्व किया था उसका नाम है यद क्या नाम है येद और यद ये को जब ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो ये जो मणिपुर के प्रमुख नेता हैं, येद जब इनको गिरफ्तार कर लिया तब इस आंदोलन का मोर्चा इनकी पुत्री ने संभाला था और इनकी पुत्री का नाम क्या था गैडी नल्लू इनकी पुत्री का नाम था इनकी पुत्री का नाम था गैडी नल्लू कहते हैं कि इस आंदोलन के तहत ये जो गैडी नल्लू साहिबा हैं इन्होंने इतना साहस दिखाया इस आंदोलन में कि बाद में जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनके साहस को देखते हुए ही इनको किसकी उपाधि दी थी गैडी को इनको रानी की उपाधि दी थी तो रानी की उपाधि गैडीनल्यू को किसने दी थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने दी थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने दी थी ठीक जवाहर लाल नेहरू साहब ने इनको रानी की उपाधि दी थी गैडी को और ध्यान दीजिएगा यह जो आंदोलन है इसका एक तरीके से जो गैडी और ये नेतृत्व कर रहे हैं यदुनागा साहब ये मणिपुर में भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं नागालैंड का जो क्षेत्र है वहां भी कर रहे हैं और यह जो आंदोलन है सबने अवज्ञा आंदोलन इस आंदोलन के मध्य में इन क्षेत्रों में जब इन लोगों ने नेतृत्व किया तो इस आंदोलन को जिया लरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है जिया लरंग आंदोलन के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है यानी मणिपुर और नागालैंड नागा के क्षेत्र में मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में इसको इस नाम से भी जाना जाता है मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में इसको इस नाम से भी जाना जाता है लरंग आंदोलन हुआ है ठीक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक प्रश्न है आप लोगों के सामने इस प्रश्न को आप लोग अब कीजिए यहां से यहां से संबंधित एक प्रश्न है इस प्रश्न को आप लोग कीजिए और ध्यान से इस प्रश्न को कीजिएगा ये यूपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है देखिए ट्राई कीजिए आप लोग देखिए क्या होता है आप लोगों के साथ में ट्राई कीजिए उत्तर दीजिए आप लोग यूपीएससी 2015 का प्रश्न है बेटा क्लास चार बजे से शुरू होती है हमेशा चार बजे से क्लास शुरू होती है कल हम लोग कला एवं संस्कृति की एनसीईआरटी का अध्ययन चार बजे से करेंगे हाँ एक अग्रिम सूचना आज आपको देना चाह रहा हूं कि आज ही नौ बजे से आप लोगों की एक और क्लास होगी उसमें हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे प्रश्नोत्तर शैली में करेंगे एम सी क्यू नौ बजे से एक क्लास होगी उसमें आप लोग शामिल रहिएगा ठीक हाँ तो उत्तर बताइए आप लोग देखिए किसका सही उत्तर आता है सबसे पहले किसका उत्तर आया क्या हुआ मनीष कुछ ज्यादा ही उत्तर दे रहे हैं विकास बस थोड़ी देर रुको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा भाई थोड़ी देर आप रुको आएंगे वहां पे हम तो इसका उत्तर सारे विकल्पों के रूप में आ रहा है सारे विकल्पों के रूप में उत्तर आ रहा है हाँ, विकास आपका प्रश्न मिल गया है आप थोड़ा सा धैर्य रखिए बस थोड़ी देर और हम्म अच्छी बात है आप सभी लोगों का उत्तर आया इसको आप लोग कंसंट्रेट कीजिए तंजोर का तट तो यही तो है तंजोर का तट यही तो है तमिलनाडु यही तो है मद्रास यही तो है तंजोर और तमिलनाडु में किसने तो किया था अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपको किसने किया था ये देखो ये यूपीएससी 2015 का प्रश्न है और मैं आपको बता दूं विपिन चंद्रा अपनी किताब में इसी शब्द को लिखते हैं तंजौर शब्द को लिखते हैं इसीलिए प्रश्न पूछा है तो एनसीईआरटी को छोड़ के अगर कोई किताब पढ़ना है तो एनसीआरटी राइटर की ही किताब को पढ़ना है क्योंकि तो वो एक्सपर्ट भी है वो भारत सरकार के इतिहासकार रह चुके हैं और जो अन्य एक्सपर्ट भी इस समय शामिल हैं ये सब इनके ही हैं तो वो भी तो प्रश्न बनाएंगे तो इन्हीं की किताब से बनाएंगे ना वो तो बाहर से थोड़ा ना बनाएंगे तो ये आपका उत्तर यहां पे बी हुआ पूरी तरीके से आप लोग जानिएगा इसका उत्तर क्या हुआ बी इसका उत्तर हुआ अब आइए थोड़ा पीछे लौटते हैं और इस सबने अवज्ञा आंदोलन की कुछ रोमांचकारी घटना को देखते हैं कुछ रोमांचकारी घटना को देखते हैं पहुंचते हैं हम लोग पेशावर यहीं पे ये पहली रोमांचकारी घटना आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे देखने को मिलेगी पेशावर तो पहुंचते हैं हम लोग पेशावर पेशावर पाकिस्तान का पेशावर उस समय ये भारत में ही था अब थोड़ा सा यहां से कंसंट्रेट थोड़ा सा हो जाइए एक बार आप लोग यहां से प्रारंभिक परीक्षा में कई प्रश्न हैं। यहीं से अभी मैं प्रश्न के रूप में भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा हुआ है यहीं से प्रश्न पूछा हुआ है और फिर आप लोग तुरंत हमें एक तरफा उत्तर आप लोगों का मिलना चाहिए सही उत्तर अब यहाँ पे कंसंट्रेट रहेंगे तभी उत्तर आप लोग दे पाएंगे तो तैयार रहिए थोड़ा सा कहा जा रहा है कि ये जो पेशावर का क्षेत्र है इस पेशावर में भी ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसका प्रचार और प्रसार देखने को मिला था इसका क्या देखने को मिला था इसका प्रचार और प्रसार देखने को मिला था अब इस परिपेक्ष में ये जो पेशावर का क्षेत्र है यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व तो अब्दुल गफ्फार खान साहब ने किया था इनके कई नाम हैं अब्दुल गफ्फार खान साहब के इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है और आप लोग देखिए कि ये जो भारत का उत्तर पश्चिम ये क्षेत्र है पेशावर का क्षेत्र है इसी पेशावर में तो इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तो किया तो ये जो अब्दुल गफार खान साहब हैं इनका एक नाम है बादशाह खान क्योंकि तो बादशाह तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहे थे और इनमें एक व्यक्तित्व और दिखता है जो महात्मा गांधी से मेल खाता है तो इनको यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये इस क्षेत्र में भारत के आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहे हैं इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से किसके नाम से जाना गया सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना गया इन्हीं अब्दुल गफ्फार खान साहब को तो ये हैं अब्दुल गफ्फार खान साहब इनका नाम है बादशाह खान इनका नाम है सीमांत गांधी अब इनकी एक खास बात और आप लोग देखिए कि इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन को स्थापित किया था और इस संगठन के लोगों की खास विशेषता यह थी कि जितने भी इस संगठन में लोग शामिल थे वो लाल बस्त्र धारण करते थे और लाल वस्त्र में क्या धारण करते थे लाल कुर्ती धारण करते थे क्या धारण करते थे लाल कुर्ती धारण करते थे तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन के अंदर चलने वाला एक लाल कुर्ती आंदोलन था या खुदाई खिदमतगार आंदोलन था ये अलग नहीं है ये सबने अवज्ञा आंदोलन से जुदा जुदा नहीं है ये उसमें शामिल है क्योंकि ये जो खुदाई-खिदमतगार नामक संगठन था जिसकी स्थापना बादशाह खान साहब ने की थी इसके जो सदस्य होते थे वो लाल कुर्ती धारण करते थे इसीलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना गया इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में आंदोलन को कुचलने के लिए जो पहाड़ी बटालियन थी या गढ़वाली बटालियन थी इसका जो मुख्य सेनापति या कमांडर इन चीफ था इसको लगाया था और इसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली कहते हैं कि जब चंद्र सिंह गढ़वाली को लगाया और कहा कि ये जो लाल कुर्ती आंदोलन सभी ने अवज्ञा आंदोलन के अंदर चल रहा है इसको कुचल दो इस आंदोलन को आप तो ये जो चंद्र सिंह गढ़वाली था चंद्र सिंह गढ़वाली ने इन आंदोलनकारियों के ऊपर यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था क्या कर दिया था गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था तो ये कैसी घटना हुई ये एक रोमांचकारी घटना हुई ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया इस बटालियन को ही भंग कर दिया फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया इस बटालियन को ही भंग कर दिया तो एक रोमांचकारी घटना आप लोगों ने यहाँ पे इस पेशावर की घटना के रूप में देखा इसके रूप में देखा पेशावर की घटना के रूप में देखा अब यहां से एक प्रश्न आपके सामने है आप लोग इसका उत्तर दीजिए अगर ये प्रश्न है तो मैं आपको दिखाता हूं ये है प्रश्न और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है आप लोग देखिए इस प्रश्न को कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था पेशावर कांड का नायक कौन था इसको नायक कर लीजिएगा नायक कौन था पेशावर कांड का देखिए उत्तर बताइए जल्दी से देखता हूं सबसे पहले उत्तर किसका आता है बताइए पेशावर कांड का हाँ भाई पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा पीडीएफ मिलेगा आपको कुछ पूछना चाहो तो पूछते भी रहो ये सामान्य क्लास नहीं है विशेष क्लास है जम के पूछो आप जितना मन करे उतना पूछो आपको उत्तर भी मिलेगा थोड़ा वेट भी करना है दो तीन प्रश्न अभी यहाँ पे अगर आप लोग धैर्य पूर्वक यहाँ पढ़ोगे ना तो आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा बस थोड़ा सा इंतजार आपको अपने प्रश्नों का करना है और आपको खुद ही फील होगा कि अरे सर ने तो बता दिया क्योंकि तो मैंने इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए उत्तर आपको मिल जाएगा और आप लोग उत्तर दे रहे हैं अब एक तरफ से उत्तर देखने को मिल रहा है हाँ इस बार आप लोग कंसंट्रेट हो चुके हैं देखिए कितनी बार इस प्रश्न को पूछा हुआ है कई जगह पे इस प्रश्न को पूछा हुआ है और कई बार इस प्रश्न को पूछा है आपका कमीशन और ऐसा नहीं है कि पूछा है तो कभी पूछेगा नहीं पूछेगा भी ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग हाँ बुक अगर कोई आधुनिक भारत की पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा की पढ़ो आप लोग बिपिन चंद्रा का स्वतंत्रता संघर्ष एनसीआर भी पढ़ सकते हो बारहवीं क्लास की इन्हीं की एन है इन्हीं की बुक है तो इनकी बुक ही आप लोग पढ़ लो विपिन चंद्रा जी का है स्वतंत्रता संघर्ष ठीक हाँ तो सभी लोगों ने सही उत्तर दिया सभी लोगों ने उत्तर दिया और सभी का सही उत्तर है ये गजब की बात है एक तरफ से उत्तर सही है वाह गजब बन गए आज आप लोग तो लगे हाथ एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए आप लोग क्यों एक प्रश्न और बनता है पढ़ाया हूं इसको आज की ही क्लास में चलिए दांडी मार्च के दौरान कौन गांधी जी के साथ था थोड़ी देर पहले पर... तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है ठीक है हाँ आवाज आएगी भाई आवाज क्यों नहीं आएगी आएगी आवाज कहां जाएगी आवाज को तो आना ही पड़ेगा क्यों आप लोगों का जज्बा देख के आवाज कहां जाएगी तो आवाज को आना ही होगा आ तो रही है आवाज आप लोग कैसे रहे वो आवाज नहीं आ रही हुँ? आवाज आ तो रही है आइए आगे बढ़ते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों को पता ही है कि बेब मिलर है दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये लुई फिसर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन है ये लुई फिसर है ध्यान रखना आप लोग ठीक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये लुई फिशर है और यहाँ पे दांडी मार्च के दौरान ये बेब मिलर है दांडी मार्च के दौरान कौन है बेब मिलर है अब आगे और कुछ रोमांचकारी घटनाओं को देखते हैं एक रोमांचकारी घटना आप लोगों ने देखी और वह कौन सी थी वह गढ़वाली के रूप में थी अब एक और रोमांचकारी घटना है आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र कहाँ ले चलते हैं महाराष्ट्र ले चलते हैं अच्छा शहर है शिवाजी की वीर शिवाजी की धरती है आइए पहुंचते हैं महाराष्ट्र में धरासना पहुँचते हैं हम लोग एक बात में मुख्यतया कॉन्सेप्ट वाली आप लोगों को ये बता दूं कि इस आंदोलन का मुख्यतया जो क्षेत्र है ना ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन है इसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है तो यह आंदोलन मुख्य रूप से उसी क्षेत्र में अपने विशाल या भयंकर रूप में प्रकट होगा जो समुद्री क्षेत्र होगा और जहां पर नमक ज्यादा बनता होगा तो यही एक धरासना का भी क्षेत्र है और महाराष्ट्र समुद्री तट है ही और यहां पे नहीं महाराष्ट्र नहीं ये धरासना ये गुजरात में है सॉरी ये कहा है धरासना ये गुजरात में है और यहां इस आंदोलन का नेतृत्व तो कौन कर रहा है ये यहां इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है धरासना में यहां पे आप लोग देखेंगे तो इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू सॉरी ये वही तो मैं कह रहा था ये गुजरात यहां पे गलत लिखा हुआ है जो धरासना है वो महाराष्ट्र में ही है तो इसको हमने देख लिया है आप लोग गलत मत समझिएगा ये जो धरासना है ये महाराष्ट्र में है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये गुजरात लिखा हुआ था तो ये गलती यहाँ पे हो चुकी है इसीलिए फिर मुझे बोलना पड़ा गुजरात लेकिन धरासना तो यही कहते हैं कि जैसे मेरे मन में यह बात आ रही थी कि हाँ धरासना महाराष्ट्र जबकि महाराष्ट्र यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन एक बार यहाँ पे गुजरात नजर आया और गुजरात लिखा था आप लोगों ने देखा ये देखिए ये गुजरात लिखा हुआ है ए, मुझे ऐसा फील हुआ तुरंत कि ये गुजरात तो नहीं है महाराष्ट्र भी है महाराष्ट्र ही है तो इस गुजरात को आप लोग काट दीजिएगा और ये जो धरासना है ये कहाँ है ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में भी कहां है तो महाराष्ट्र में भी यह बंबई में है महाराष्ट्र में भी ये कहाँ पे है भैया बंबई में है और सबने अवज्ञा आंदोलन का धरासना में जो नेतृत्व किया था वो सरोजनी नायडू ने किया था और मणिलाल साहब ने किया था तो सरोजनी नायडू के बारे में तो आप जानते ही हैं और मणिलाल इस समय एक नेता के रूप में स्थापित है और दोनों ने बम्बई के धरासना में इस आंदोलन का नेतृत्व किया लेकिन ब्रिटिश सरकार यहाँ पे काफी आक्रामक हो गई और आक्रामक हो के यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर और यहाँ के आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया लेकिन खास बात है कि यहाँ के लोग यानी इस धरासना के लोग ब्रिटिश सरकार इनके ऊपर लाठियां बरसाती रही लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे थे ये भाग नहीं रहे थे कि लाठियां पड़ रही हैं तो भाग जाएं ये लोग वहीं पर स्थिर थे और इस समय यह जो अमेरिकी अमेरिकी पत्रकार है बेब मिलर यह एक बात कहता है इस आंदोलन में इस क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार किया लाठियां चलाईं ये कहता है कि जब तक भारतीय अपनी महिलाओं को यानी अपनी स्त्रियों को बचा नहीं सकते वो लाठियां खा रही हैं तब तक भारतीयों को आजादी का हक नहीं मिलना चाहिए बहुत बड़ी बात बोलता है यार जब अपने देश की आप महिलाओं को बचा लेंगे उनके ऊपर लाठियां नहीं पड़ेंगी तब हम मानेंगे कि वास्तविक रूप में आपको आजादी का हक मिलना चाहिए ये रिपोर्टिंग करता है और यह बात कहता है ये बेब मिलर साहब यह बात कहते हैं यहां पे। तो एक बहुत बड़ी बात है ये एक बहुत बड़ी बात है ये इसके अलावा महाराष्ट्र में ही सोलापुर है सोलापुर में क्या हुआ यहाँ के जो मिल मजदूर थे मिल मजदूरों ने क्या किया हड़ताल कर दिया और ये इस समय ब्रिटिश सरकार का तीव्र विरोध करने लगे सरकार ने हिंसक कार्यवाही की लेकिन मजदूरों का मनोबल कम नहीं हुआ जिस तरीके से धरासना में सरकार ने लोगों के ऊपर आंदोलनकारियों के ऊपर लाठियां चलाई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का जज्बा वहां पे बना रहा उसी तरीके से ये जो सोलापुर के मजदूर लोग हैं ये भी लगातार इस आंदोलन में बने रहे ये भी लगातार इस आंदोलन में बने रहे अब इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण तो पक्ष है इसकी सामाजिक भागीदारी का इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी सामाजिक भागीदारी का इसमें कैसे कैसे लोग शामिल हुए भारत का कौन सा वर्ग इस आंदोलन से शामिल हुआ इसको आइए हम लोग देखते हैं भारत का कौन सा वर्ग इस आंदोलन में शामिल हुआ इस आंदोलन में भारत का, का कौन सा वर्ग शामिल हुआ आइए इस बात को देखते हैं तो यहाँ पे इस आंदोलन में कई वर्ग दिए हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोगों ने यहाँ पे इस आंदोलन में भागीदारी की आइए देखते हैं किन्हों ने भागीदारी की और क्यों की तो इस आंदोलन में आप लोग देख रहे हैं जो भारतीय महिलाएं हैं इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया क्यों महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया उसका कारण ये है कि महात्मा गांधी के तमाम सारे सिद्धांत हैं चाहे वो सत्य अहिंसा का सिद्धांत हो चाहे वो राम राज्य का सिद्धांत हो चाहे वो सत्याग्रह का सिद्धांत हो चाहे वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो इन सारे सिद्धांतों में से अगर आप लोग देखोगे तो जो महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है किसका सिद्धांत है सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है इसमें महात्मा गांधी हमेशा सत्य की बात करते हैं असत्य की बात नहीं करते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो महिलाएं हैं और जो एक्सपर्ट या बुजुर्ग लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस या अनुभवी लोग हैं वो हमेशा सत्य ही सुनना चाहते हैं असत्य सुनना नहीं चाहते ये इनकी खूबी है और महात्मा गांधी हमेशा ऐसी ही बातें करते थे और अहिंसा की बात करते थे अहिंसा के महात्मा गांधी पुजारी थे महात्मा गांधी कहा करते थे कि व्यक्ति को मन से और व्यक्ति को वचन से और व्यक्ति को कर्म से अहिंसा का पुजारी होना चाहिए किसका पुजारी होना चाहिए अहिंसा का पुजारी होना चाहिए अब जब महात्मा गांधी ऐसी बात करेंगे तो महात्मा जो महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के आंदोलन और इनकी तरफ खींची हुई चली आएंगी तो यानी कि महात्मा गांधी ने जब सत्य और अहिंसा का विचार दिया राम राज्य की विचारधारा दी तो इससे महिलाओं का दिल जीत लिया महिलाओं का विश्वास जीत लिया फलता महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी दी इसके अलावा इस काल का कृषक यानी किसान तो कृषक के परिपेक्ष में आप लोग देखेंगे तो कृषक लोग इसमें शामिल तो हुए लेकिन सीमित मात्रा में शामिल हुए यानी बहुसंख्यक में कृषक इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि इस समय बहुत सारे कृषक पार्टियां बनी हुई थी और जो कृषक पार्टियां थी वो थोड़ा सा महात्मा गांधी से अलग थे लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तो जो भू राजस्व कानून है ब्रिटिश सरकार का उसको भारतीय कृषक वर्ग ने इनकार कर दिया और किसी किसी क्षेत्र में तो कर ना चलाने का आंदोलन भी इसी आंदोलन के मध्य चलाया गया लेकिन बहुतायत पैमाने पे कृषकों ने भागीदारी नहीं की थी इसके अलावा जो पूंजीपति वर्ग है जो भारत का पूंजीपति वर्ग है वो पहली बार आप लोग देखेंगे तो इस आंदोलन में शामिल हुआ पहली बार इस आंदोलन में शामिल हुआ और पहली बार इस आंदोलन में शामिल होने का एक मुख्य कारण था इस आंदोलन में शामिल होने का एक मुख्य कारण था क्या मुख्य कारण था क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग था वो इस समय विश्व की जो आर्थिक मंदी थी उससे गुजर रहा था तो इसको भी काफी नुकसान हुआ था तो नुकसान हुआ था तो इसीलिए गांधी जी और उनके आंदोलन को सपोर्ट किया और एक वर्ग है यहाँ पे भारत का मुस्लिम वर्ग तो भारत का मुस्लिम वर्ग का मुस्लिम वर्ग की जो भागीदारी रही वो भी कैसी भागीदारी रही वो भी सीमित मात्रा में भागीदारी रही सीमित मात्रा में भागीदारी क्यों रही क्योंकि मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए इस समय जो मुस्लिम लीग है वह मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में है और मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांगों को खारिज कर दिया था और बहुत चालाक थे जिन्ना साहब भी उन्होंने भी महात्मा गांधी की ग्यारह सूत्रीय मांगों के खिलाफ वायसराय से चौदह सूत्रीय मांगों का एक अपना मांग पत्र उसके सामने रख दिया था और गांधी जी की इन मांगों को इनकार कर दिया था तो पहले ही इनकार कर दिया था तो बाद में इस आंदोलन में कैसे शामिल होंगे यानी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो एक तरीके से मुस्लिम यानी जो कट्टर मुस्लिम थोड़ा थे वो अलग हो गए लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी जो मुस्लिम थे उन्होंने सपोर्ट किया था इसके अलावा श्रमिक श्रमिकों ने पहली बार बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सपोर्ट किया था जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि सोलापुर का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था यहाँ के जो श्रमिक लोग हैं उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी की अच्छा एक पक्ष और है बुद्ध का आप लोग बताइए कि ये जो बुद्ध जीवी वर्ग है भारत का क्या ये इस आंदोलन में भाग लिया था जो भारत का बुद्धजीवी वर्ग है क्या ये इस आंदोलन में भाग लिया था या नहीं लिया था बताइए जरा जो भारत का बुद्धजीवी वर्ग है क्या वो इस आंदोलन में भाग लिया था या नहीं लिया था नहीं लिया था बुद्धजीवी वर्ग इस आंदोलन में नहीं भाग लिया था क्यों क्योंकि जो बुद्धजीवी वर्ग था वह महात्मा गांधी की जो कार्यवाहियां हैं जैसे आप लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही चला लेकिन चौरी चौरा में एक घटना हो गई महात्मा गांधी उस समय बारदौली में स्थित थे बारदौली का एक प्रस्ताव लाया और असहयोग आंदोलन को किसी से नहीं पूछा रोक दिया उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी शामिल थे सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू इन लोगों ने महात्मा गांधी की इस कार्यवाही की आलोचना की तो जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग है कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनकारी और नेता को छोड़ के वो गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल नहीं होता है क्यों नहीं शामिल होता है क्योंकि गांधी जी से वो चिढ़ता है क्योंकि वो चाहता है कि गांधी जी अगर कोई निर्णय ले तो उससे पूछें और असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा निर्णय लिया कि किसी से पूछा ही नहीं तो फलता बुद्ध जीवियों ने क्या किया थोड़ा सा किनारा काटा इस आंदोलन के मध्य में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे सबने अवज्ञा आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है इसको देखते हैं क्या असमानता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में तो इसमें कुछ असमानताएं आपको देखने को मिलेंगी तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें जो नारा था उसका जो नारा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो पूर्ण स्वराज का था जबकि जो असहयोग आंदोलन का नारा था वो स्वराज था ध्यान रखिएगा उसमें स्वराज की बात की गई थी और इसमें अब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी तो ये आधारभूत अलगाव है यह अंतर है आप लोग कह सकते हो इसके अलावा असहयोग में आप लोग देखोगे तो सरकारी कार्यों में बाधा डालने की बात थी जैसे सरकारी जो ऑफिस हैं जो सरकारी कार्यालय हैं उसके सामने भारतीय लोग इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होने के बाद में क्या करते थे धरना देते थे यानी सरकारी ऑफिसों के सामने धरना देते थे तो सरकारी लोगों को कामों या कार्य को करने में बाधा होती थी लेकिन सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या किया गया सबिनय अवज्ञा आंदोलन के तहत तो पूरे पूरे कानून के उल्लंघन की ही बात की गई नमक कानून जैसे नमक कानून के उल्लंघन की बात की गई तो ये दो तीन अंतर आपको यहाँ पे आधारभूत अंतर देखने को मिले इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो एक समझौता होता है गांधी इर्वेंस समझौता और गांधी इर्विश समझौते के द्वारा यह जो सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसका अंत कर दिया जाता है तो थोड़ा सा हम लोग यहां पे समझेंगे कि आखिर किन स्थितियों में गांधी और इस समय के वायस राय इर्बिन के बीच में यह समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा इस आंदोलन का स्थगन कर दिया गया थोड़ा सा समझिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यह अब सबने अवज्ञा आंदोलन को एक तरफ चलते चलते काफी समय हो गया था तो काफी समय तक अगर आप लोग भी एक दिन में बारह घंटे पढ़ाई करेंगे तो वो ऐसी स्थिति वैसा जोश नहीं बना रहेगा ए, थोड़ा सा तो थकान लगेगी ही और ये स्वाभाविक ही है वैसे इस आंदोलन के परिपेक्ष में भी समझिए कि अगर निरंतर कोई आंदोलन बहुत दिनों तक चलेगा तो आंदोलनकारियों में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जिससे यह प्रतीत होगा कि आंदोलन थोड़ा सा कमजोर हो रहा है महात्मा गांधी इस बात को बड़ी गहराई से देख रहे रहे थे थे वास कर रहे थे, और उनको यह बात दिखाई पड़ रही थी और उधर जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी अपनी स्थिति पे तटस्थ थी वो भी भारतीयों को किसी भी तरीके से छूट नहीं दे रही थी लेकिन इसी समय आप लोग देखेंगे तो इसी समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था इसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक गोल में सम्मेलन का आयोजन किया था एक गोल में सम्मेलन का आयोजन किया था और गोल में सम्मेलन कुल कितने हुए थे कुल तीन गोल में सम्मेलन हुए थे पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो हम लोग पहले गोल में सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और यह प्रारंभ हो गया था 1930 सौ ईस्वी में ही यानी इधर सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा है और उधर लंदन में लंदन की जो सेंट जेम्स पैलेस है उस पैलेस में गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया इसमें भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको निमंत्रण दिया गया लेकिन सब लोग तो गए एनी बेसेंट गई यहां से इसके अलावा अंबेडकर साहब गए अन्य लोग भी गए लेकिन इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सदस्य इस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन नहीं गया कोई भी सदस्य नहीं गया ये एक अच्छी बात थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की जब कोई नहीं गया तो ये जो लंदन में गोल में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इस समय यहाँ का प्रधानमंत्री बन चुका है मैकडोनोल्ड ये वही मैकडोनाल्ड है जिसके रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खाते हैं ये वही फ्रेंचाइजी है ये वही, वही मैकडोनाल्ड है भाई और कोई नहीं है यह है वही मैकडोनाल्ड है ये है वही मैकडोनाल्ड तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एक तरीके से भारत की आत्मा ही इस लंदन में उपस्थित नहीं हुई यानी आप लोग कह सकते हो कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस लंदन में उपस्थित नहीं हुई तो यह जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा है 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या यह सफल हो पाएगा नहीं सफल हो पाएगा क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग सबसे बड़ी पार्टी या भारत की आत्मा तो उपस्थित ही नहीं है तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इस पर बहुत सारा खर्चा किया ब्रिटिश सरकार ने लेकिन ये असफल हो गया तो उधर ब्रिटिश सरकार भी अब इधर ये ने अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व तो करता गांधी जी थोड़ा सा द्रवित अवस्था में आएंगे आंदोलन में गतिशीलता की कमी आ रही है और उधर जो ब्रिटिश सरकार है वो भी परेशान होगी कि भाई भारतीय आंदोलन कर रहे हैं हमें भगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो इस समय आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो महात्मा गांधी हैं, इस समय महात्मा गांधी को यरबदा जेल में बंद किया गया है किस जेल में बंद कर दिया गया है यरबदा जेल में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया है सभी नये आंदोलन के दौरान ये इसी जेल में बंद है तो इस समय दो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारी है। एक हैं तेज बहादुर सप्रू जिनके नाम से आज भी इलाहाबाद में एक अस्पताल है कमीशन के जस्ट सामने ही है यूपी कमीशन के सामने ही और एक हैं प्रोफेसर जयकर इसी में मदन मोहन मालवीय साहब का भी नाम आता है अब ये तीनों नेता यह है चाहते हैं कि महात्मा गांधी और इस समय के वायस राय के बीच में एक समझौता हो जाए इन्होंने प्रयास किया इसमें ये सफल भी रहे खास करके तेज बहादुर और सप्रू इन्होंने वायस राय और गांधी जी के बीच में मध्यस्थता की फलता गांधी जी के बीच में और इस समय के वायसराय राय इरबिन के बीच में समझौता हुआ अब गांधी जी तो अभी तक वही वो इरबिन है जो गांधी जी से बात करने के लिए तैयार नहीं था अब इस समय इतना मजबूर हो गया कि गांधी जी से समझौता करने के लिए तैयार है लेकिन गांधी जी भी इससे समझौता करने के लिए तभी तैयार हुए जब ये समझौता आमने सामने का समझौता होगा जब ये समझौता बराबरी का समझौता होगा बराबरी के समझौते का मतलब क्या है भाई अभी तक आप बात नहीं कर रहे थे लेकिन अब आपको यहां सामने बैठना पड़ेगा मैं भी आपके सामने बैठूंगा अब यानी ये समांतर समझौता है ये समानता की स्थिति यहां पे आपको देखने को मिलेगी न वायस राय इसमें बड़ा देखने को मिलेगा न इसमें गांधी जी बड़े देखने को मिलेंगे दोनों एक तरीके से बराबर के स्तर पर कह लीजिए बराबरी के स्तर का यह समझौता था फिर गांधी जी ने यह समझौता किया तो आप लोगों का कई प्रश्न है यहां पे तो एक बात और समझ लीजिए यहीं पे आप लोग देखेंगे कि जो भगत सिंह हैं भगत सिंह जी हैं और इनके साथी सुखदेव साहब हैं सुखदेव साहब हैं और मार्च का ही समय चल रहा है और तीसरे नेता हैं राजगुरु साहब राजगुरु साहब यह सुनिश्चित हुआ था कि इनको 1931 के मार्च में फांसी दे दी जाएगी डेट भी इनके निश्चित हो गई थी इसके पूर्व ही गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा है लेकिन जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा है उसमें यह जो इरविन नामक वायस राय है यह इरविन नामक वायस राय पहले ही कह देता है गांधी जी से यानी महात्मा गांधी से पहले ही कह देता है कि देखो भैया अगर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की राजगुरु की बात को आपको इस मंच पर यानी समझौते के मंच पर उठाना है तो मैं आपसे मुलाकात ही नहीं करूंगा यानी समझौता ही नहीं करूंगा तो अब अगर गांधी जी चाहते तो समझौता ना करते इनकार कर देते तो इनकार कर देते तब शायद गांधी जी के मुद्दे पर यह प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता कि गांधी जी ने भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की बात ही नहीं की और बात करने से मना किया तो उन्होंने इनकार कर दिया लेकिन फिर भी गांधी जी ने समझौता किया तो उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि गांधी और इरबिन के बीच में जब समझौता हुआ और अब अब समझिए इसके बाद में कि गांधी जी ने भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी का मुद्दा नहीं उठाया कि इनकी फांसी टल जाए तो लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो उठा देते हां चाहते तो उठा देते इनका मुद्दा लेकिन चाह नहीं तो क्यों नहीं चाह इसलिए भी नहीं चाहा एक बात हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दी कि इरबिन ने रोक लगा दी थी पहले से कि इस मुद्दे को उठाना नहीं दूसरी बात क्या है दूसरी बात अब आप लोग देखिए जब गांधी समझौता हो गया तो गांधी समझौता जब हो गया तो होने के बाद में जब गांधी जी बाहर आए तो इनकी बात ही नहीं की थी जब इनकी बात नहीं की थी तो भारत का युवा वर्ग आग बबूला हो रहा था गांधी जी को काले झंडे दिखाए इस समय कि भाई कैसे नेता हो आपने बात ही नहीं की इनकी विरोध किया गांधी जी भी परेशान हुए लेकिन गांधी जी ने इसी समय एक बात कही थी उसको समझिएगा आप आप लोग उत्तर देने के लिए। बाकी आप सोचने के लिए लिए बाकी सोचने स्वतंत्र जी ने कहा इस समय एक बात कही इसी समय कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी बात नहीं मर सकता है यानी गांधी का जो सिद्धांत था उसे गांधी बात के नाम से जाना जाता था और गांधीबाद में हमने आपको बताया कि गांधीवाद के अंतर्गत एक सिद्धांत था जिसका नाम था अहिंसा का सिद्धांत तो गांधी हमेशा अहिंसा में विश्वास करते थे और मन वचन और कर्म से अहिंसा में विश्वास करते थे ऐसा नहीं है कि अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी की बपौती है इसको इन्होंने जन्म दिया था यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत पहले से प्राचीन काल से विद्यमान थी बौद्धों जैनियों के परिपेक्ष में वैदिक युग में पहले से ही विद्यमान थी इसको आगे बढ़ाया गांधी जी ने तो गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और गांधी जी का कहना था कि इन लोगों ने गोला बारूद बम यानी हिंसागत कार्यवाही में ये लिप्त थे तो हमारा तो सिद्धांत ही अलग है तो इस वजह से भी गांधी जी ने बात नहीं की क्योंकि इनका सिद्धांत ही अलग था और मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का वो कैसा भी व्यक्ति हो कुछ उसके सिद्धांत होने चाहिए सिद्धांत ही रोकते हैं वैसे ये जो पक्ष है कहते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में एक तरीके से कह सकते हो कि एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है गांधी जी चाहते तो समय की मांग तो यही थी कि बात करते अगर बात नहीं करते तो समझौते से इनकार कर देते लेकिन गांधी जी ने यह नहीं किया इसीलिए उनकी जिंदगी पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया ठीक इसको आप लोगों ने समझा अब ये जो गांधी अरविंद समझौता था इसमें तेज बहादुर सप्रू साहब एम आर जयकर साहब प्रयत्नों से गांधी और एरबिन के बीच में यह समझौता हुआ था ध्यान रखिएगा अब इस समझौते पे मोहर कहां पे लगी थी इस समझौते पे मोहर या हस्ताक्षर जो हुई थी वह दिल्ली में हुई थी इस समझौते पे हस्ताक्षर दिल्ली में हुई थी अब प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गांधी एरबिन समझौता है इस पर हस्ताक्षर किसने किया था तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने और ब्रिटिश सरकार की तरफ से इस इरबिन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था यानी इस समझौते पर गांधी और इरबिन इन दोनों ने ही हस्ताक्षर किया था नहीं तो आप लोग सप्रू और जयकर टिक कर दीजिए विपिन चंद्रा साहब इस बात को लिखते हैं इसीलिए कह रहा हूं कि आधुनिक भारत में अगर कोई किताब पढ़ना है तो पहले विपिन चंद्रा को पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए का मतलब यह है कि कई बार पढ़िए उसको एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए कई किताब मत पढ़िए एक किताब को दस बार पढ़िए थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन कई किताब पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे सब चला जाएगा आपसे कहीं कोई कुछ लिख रहा है कोई कुछ लिख रहा है आपका ना कॉन्सेप्ट बनेगा और तथ्यों में भी थोड़ा सा असमानता आएगी और यही सबसे मूल्यवान किताब है जहां से प्रश्न भी आता है जहां पे कॉन्सेप्ट भी आपका बढ़िया बनेगा तो इसको आप लोग पढ़िए दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ इसीलिए इस गांधी समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है अब इसमें जो समझौता हुआ इस समझौते में गांधी जी ने कुछ बातें भारतीयों की तरफ से स्वीकार की और उधर इरबिन ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से कुछ बातों को स्वीकार किया आइए देखते हैं क्या बातें हैं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है यहां से प्रश्न अब इसमें वायस राय ने किन किन बातों को स्वीकार किया वायस राय ने कहा कि हिंसा रोपी बंदियों के अलावा सभी बंदियों को रिहा किया जाएगा हिंसा रोपी कैदियों के अलावा सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा इसका क्या मतलब है भैया इसका मतलब यह है कि जब सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा है तो कई क्षेत्रों में हिंसागत कार्यवाही हुई और उस हिंसागत कार्यवाही में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को गिरफ्तार किया तो जिन्होंने या जिन भारतीयों ने खुलेआम हिंसा की यानी किसी की हत्या की उसको इस समय ब्रिटिशर्स नहीं छोड़ेंगे यही कहा जा रहा है यानी जिन भारतीयों के ऊपर जिन भारतीय बंदियों के ऊपर जो बंदी इस समय जेल में बंद किए जा रहे हैं उनके ऊपर हिंसा का कठिन आरोप है उनको नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन जो राजनैतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा यानी जिन पे जिनके ऊपर गंभीर आरोप नहीं है उनको ब्रिटिश जेलों से छोड़ दिया जाएगा थोड़ा सा आम जनजीवन फिर सामान्य होगा दूसरी बात इरविन ने क्या स्वीकार किया इरविन ने स्वीकार किया कि अगर भारतीय चाहें तो समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं उसका उत्पादन वो स्वयं कर सकते हैं यह बात कही इसके अलावा इरबिन ने एक छूट भारतीयों को यह दी कि भारतीयों को चाहिए कि कानून की सीमा में किसकी सीमा में कानून की सीमा में जो भारत में विदेशी दुकानें स्थित हैं उन पे धरना दे सकते हैं उन पे क्या दे सकते हैं उन पे धरना दे सकते हैं यह बात कही इसके अलावा और क्या बात कही सरकारी नौकरी वालों को वापस लिया जाएगा यानी बहुत सारे लोग इस आंदोलन में ऐसे शामिल हुए जो सरकारी कर्मचारी थे किसी स्कूल में थे किसी कॉलेज में थे किसी अन्य संस्था में थे वो इस आंदोलन में शामिल हो गए तो ब्रिटिश सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया लेकिन इस समझौते के अंतर्गत आप लोग देखो तो महात्मा गांधी कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है अब जिस सरकारी नौकर की नौकरी वापस हो जाएगी वो खिलाफत करेगा गांधी जी की बताओ आप, आप सोचो अगर आप की नौकरी उस समय गई होती आप अपने को उस स्थान पर रख के सोचो हर व्यक्ति स्वार्थी होता है तो जिसको सरकारी नौकरी वापस मिल जाएगी निश्चित रूप से वो गांधी जी की क्या करेगा आलोचना करेगा कभी नहीं करेगा इसके अलावा जो गांधी जी साहब हैं इन्होंने किन किन बातों को स्वीकार किया इन्होंने कहा कि जो हम अखिल भारतीय आंदोलन चला रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हम स्थगित कर देते हैं और स्थगित कर दिया यानी गांधी इरविन समझौते के तहत ही सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गांधी जी ने और दूसरी बात सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करके गांधी जी अब द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होंगे ये भी हामी भर ली गांधी जी ने कहा कि जब द्वितीय गोल में सम्मेलन का आयोजन 1931 में लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में होगा तो मैं वहां पे भागीदारी करूंगा और आप लोगों को पता है कि जब द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ 1931 सौ ईस्वी में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में तो सेंट जेम्स पैलेस में जब यह द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ तो महात्मा गांधी यहां से भाग लेने के लिए गए और किस जहाज से गए थे महात्मा गांधी भाग लेने के लिए एक बार यूपीएससी में पूछा इसको एस एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे नामक जहाज से गांधी जी इस अब इस द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे इनके साथ एनिवेश इनके साथ सरोजनी नायडू मतलब महिलाओं का एक अच्छा खासा एरिया था और भी कई लोग इस आंदोलन में इस गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करते हैं लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो गांधी जी करते हैं एस एस राजपूताना नामक जहाज से भाग लेते हैं जब ये सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हाथ में एक पगडंडी लिए हुए हैं एक धोती इन्होंने ओढ़ रखा है एक लंगोटी इन्होंने पहन रखा है देखा फ्रेंक मोरस ने उसने कहा कि जो गांधी जी हैं वो क्या हैं अर्धनंगा फकीर हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वो देखता है तो वो कहता है कि भाई ये हाड़ मास का ऐसा व्यक्ति है इससे तो हमें जीत जाना चाहिए भारत में तो जब हम पूरे विश्व में चारों तरफ जीत रहे हैं तो इससे कैसे हार रहे हैं इस हाड मास के पुतले से कैसे हार रहे हैं हम इस हार्ड मास के पुतले से हम कैसे हार रहे हैं यह बात उसने कही थी एक हाँ एस एस राजपुताना जहाज से ये गए थे एस एस राजपुताना जहाज से भाग लेने गए थे ठीक लेकिन वहां पे अंबेडकर जी भी थे तो अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में टकरार हो गई फलता दूसरा जो गोल में सम्मेलन था वह भी असफल हो गया गांधी जी लौट के आए और मुंबई में भारतीयों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से मैं गोल में सम्मेलन से कुछ लेके नहीं आया हूं पूर्ण रूप से असफल हो गया लेकिन मैंने भारतीयों की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया है इसके अलावा गांधी जी ने और क्या स्वीकार किया पुलिस की ज्यादती की मांग नहीं करेंगे गांधी जी अनशन कर चुके थे वायसराय परेशान हो चुका था गांधी जी जांच की मांग करने का प्रयास कर रहे थे कि पुलिस ने जो हिंसा दिखाई यानी ब्रिटिश सरकार ने जो हिंसा दिखाई आंदोलनकारियों के ऊपर वो अहिंसा से तादाद में थोड़ा ना रखती है वो तो हिंसा है तो उसकी जांच की जानी चाहिए लेकिन गांधी जी ने अब ये स्वीकार कर लिया कि हिंसा की जांच की मांग नहीं करेंगे दूसरा कांग्रेस ब्रिटिश वस्तु का विरोध नहीं करेगी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह विदेशी वस्तु का क्या नहीं करेगी विरोध नहीं करेगी नोट में एक बात यहां पे लिखी इरबिन ने भगत सिंह और पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई के बारे में बात करने से पहले ही इनकार कर दिया था ये दो बातों के बारे में इनकार कर दिया था ये देखिए जो पुलिस की कार्रवाई है इसके बारे में और भगत सिंह जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पक्ष है जो इस सबिनय अवज्ञा आंदोलन को काफी लोकप्रिय बनाता है उसको आइए देखते हैं सीडीएम डी एम यानी सबने अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का साधन ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है कैसे पूछा गया है आइए बताते हैं अब एक बार ऐसे ही पूछ लिया कि ये जो मंजरी सेना है मंजरी सेना में मुख्यतः महिला शामिल है या पुरुष शामिल है तो ये प्रश्न है यूपीएससी का तो मंजरी सेना महिलाओं की सेना है इसमें मुख्यतया इस सेना में महिलाएं शामिल हैं इसी तरीके से बानरी सेना है और बानरी सेना नाम से ही पता है बानर बानर का मतलब पुरुष ठीक तो बानरी सेना पुरुषों की है और मंजरी सेना महिलाओं की है और इसमें सब युवा वर्ग शामिल है नए नए लोग इसमें शामिल हैं युवा वर्ग मुख्यतया शामिल है बड़ी बड़ी जनसभाएं प्रभात फेरी जादुई लालटेन यह इस आंदोलन को विशेष बनाती है इसमें अब प्रभात फेरी को देखिए प्रभात फेरी में क्या होता था कि जब तक महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल थे और ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार करके यरबदा जेल में बंद नहीं कर दिया था तब तक महात्मा गांधी सुबह ही उठ जाते थे चार बजे चार बजे से आठ बजे तक घूमते थे सभी गांव में जाते थे प्रभात फेरी इसे बोलते हैं गांव में जाके लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ उन्मुख करने का काम करते थे जोड़ने का काम करते थे कई बार तो महात्मा गांधी श्री रामचरित मानस की चौपाई लेके उसका गुणगान भी करते थे और उसके माध्यम से जो भारत का व्यक्ति है वो खिता हुआ चला आता है तो ये लोकप्रिय साधन है जो सबने अवज्ञा आंदोलन को एक प्रमुखता प्रदान करता है लोकप्रियता प्रदान करता है दूसरी बात जादुई लालटेन जादुई लालटेन अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाल टेन रखी हुई है और इससे विभिन्न प्रकार की ये लव निकल रही है और ये क्षेत्र दिल्ली का है दिल्ली भी तो जंगल ही तो था दिल्ली क्या था दिल्ली भी तो जंगल ही तो था और इस क्षेत्र में अगर ये लाल टेन रखी है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यहां पे सबने अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारी बैठे हैं अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं जैसे आप लोग इलाहाबाद के आगे की यात्रा करेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र और मुगल सराय के बीच की यात्रा करेंगे और आगे पटना आपका जंक्शन आएगा तो ये थोड़ा सा जो क्षेत्र है इसमें सोनभद्र के आसपास का ये एक तरीके से नक्सलाइट बेल्ट है उत्तर प्रदेश का नक्सलाइट जोन है ये तो इसमें आज भी आप लोग देखेंगे तो ये जो जिले हैं इनका बहुत ज्यादा विकास अभी भी कम ही विकास हुआ है तो यहां पे अगर ट्रेन से आप यात्रा करते हैं तो आपको बड़ी दूर पे कहीं लाइट दिखाई पड़ेगी और इसी तरीके से कोई लांटेल दिखाई पड़ेगी तो पता चलेगा अरे यहां पे कुछ नक्सली बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे ऐसा लोग कहते हैं तो हालांकि नक्सलियों की तुलना में यहां पे नहीं कर रहा हूं लेकिन ये जो जादुई लालटेन है अगर कहीं भी आपको एक लो बत्ती की दिखाई पड़ रही है लालटेन की दिखाई पड़ रही है काफी दूरी पर दो दो चार चार किलोमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ रही है मान लो आप बस से यात्रा कर रहे हो मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो आपका मन करता है कि आप अब इस आंदोलन से जुड़ जाइए क्योंकि तो यह आंदोलन इसके इसके एक तरीके से प्रतीक के रूप में थी जादुई लालटेन इसका मतलब निश्चित रूप से इस जादुई लालटेन के परिपेक्ष में जो भी यहाँ पे आसपास में होंगे ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारी ही होंगे अब आप इनसे जुड़ सकते हो और बड़ी बड़ी जनसभाएं अगर इस आंदोलन के पूर्व आप देखोगे तो जितने भी आंदोलन हुए भले ही वो अखिल भारतीय आंदोलन क्यों ना हो लेकिन जनता की उतनी भीड़ कभी नहीं जुड़ी जितनी बड़ी भीड़ इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबिने अवज्ञा आंदोलन में जुड़ी थी बड़ी बड़ी जनसभाएं चाहे वो जवाहरलाल नेहरू साहब हों चाहे वो बोस साहब हो चाहे गांधी जी साहब हो करोड़ो, करोड़ों करोड़ों भारतीयों की एक तरीके से यहाँ पे सभाएं होती थी ये भी इसको भव्य बनाती हैं अलौकिक बनाती हैं इसको प्रमुखता प्रदान करती हैं ने अवज्ञा आंदोलन को ठीक तो ये विशेष बातें हुई ये विशेष बातें हुई एक प्रश्न है आप लोगों के सामने इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग देखिए समझ में आता है क्या 6 अप्रैल उन्नीस तिथि की 1930 की तिथि जानी जाती है बताइए किसके परिपेक्ष में जानी जाती है यह तिथि बताइए आप लोग क्या होगा इसका उत्तर हम्म एक लोगों का उत्तर आ चुका है दूसरे लोगों का भी उत्तर आ चुका है हम्म अच्छी बात है अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा है बताइए सभी लोगों को उत्तर देना है सभी लोगों को उत्तर देना है कोई बचना नहीं चाहिए सबकी आवाज आनी चाहिए हमारे पास तक हम्म बताते रहिए बताते रहिए एक बार तो सबका उत्तर आना ही चाहिए कोई बसना नहीं चाहिए लेकिन उत्तर में थोड़ा सा मिलावट दिख रही है अभी उत्तर में थोड़ा सा मिलावट दिख रही है अभी कई विकल्प के रूप में उत्तर आ रहे हैं ए विकल्प भी है सी विकल्प भी है डी विकल्प भी है yeah. ऐसा कैसे होगा तेज hmm? बस क्लास लगभग खत्म हो गई है लगभग क्लास खत्म हो गई है दो तीन प्रश्न करेंगे हम लोग क्लास लगभग खत्म हो चुकी है ठीक हाँ, डी इज राइट आंसर अच्छी बात है अच्छी बात है ही इसका सही उत्तर है जैसा कि आप लोगों ने कहा लगभग लोगों ने उत्तर दिया तो ये जो 6 अप्रैल 1930 की तिथि है ये है इसी तिथि को तो आप लोगों ने देखा कि गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो समाप्त हो रहा है ना बारह मार्च को शुरू हुआ 6 अप्रैल को समाप्त हुआ गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ तो तो ये तो दांडी मार से संबंधित है और सी भी उत्तर आप लोग बता रहे हैं तो 6 अप्रैल 1930 की एग्जैक्ट बात हो रही है यहां पे 1930 का ये जो सम्मेलन है हालांकि होता ये भी है लेकिन 6 अप्रैल को नहीं होता ये ध्यान रखिएगा आप लोग और जालिया वाला बाघ हत्याकांड ये कब होता है ये तेरह अप्रैल को होता है तेरह अप्रैल 1919 को होता है 1919 को होता है ठीक और ये जो गांधी मार एरबिंद समझौता है इसको आप लोग जान ही रहे हैं ये 1931 में होता है और यहाँ पे 1930 की बात की जा रही है तो इसका उत्तर क्या हुआ इसका उत्तर डी हुआ ठीक एक प्रश्न और देखिए आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को बताइए जो नमक सत्याग्रह है यानी सबने अवज्ञा आंदोलन है इसमें जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया बड़ा ही अलग का प्रश्न है आप लोग इसको बताइए सभी लोगों को उत्तर बताना है बताइए क्या है उत्तर हाँ उत्तर आप लोगों का है सामने बी विकल्प के रूप में भी है डी के रूप में भी है सी के रूप में भी है ए के रूप में भी है आ के रूप में भी है उत्तर हम्म hmm? तो ए का मतलब आना हाँ अच्छी बात है हाँ, सही बताया आप लोगों ने कौन है इसका उत्तर इसका उत्तर बी विकल्प के रूप में है अब्बास जी साहब है कौन है भैया अब्बास जी साहब हैं अब्बास तैयब जी साहब हैं ठीक एक प्रश्न और है ट्राई कीजिए जरा यदि पीसीएस में मुख्य परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव अब तो यूपीएससी का ही सिलेबस यूपीपीसीएस का ही हो गया वहां पे मुख्य परीक्षा में जैसे यूपीएससी का पेपर होता है वैसे हो गया पहले वहां पे मुख्य परीक्षा में दो ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे जीएस के ही होते थे दोनों तो वो बहुत कठिन होता था देखिए कि किसी भी तरीके से आपको यूपीएससी के प्रश्न से कठिन कम नहीं लगेगा अच्छा प्रश्न है महत्वपूर्ण तो प्रश्न है बताइए इसको आप लोग बहुत ही उपयोगी प्रश्न है चलिए सोचिए और एक एक बातों को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए इसका उत्तर हाँ प्रश्न दो अच्छी बात है मतलब समझ भी रहे हैं आप लोग कुछ लोग तो तिथि भी लिख रहे हैं अच्छी बात है यही मैं देखना चाह रहा था यादव भीम, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया और सही उत्तर दिया तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर डी होगा क्योंकि असत्य को पूछ रहा है और ये पंद्रह मार्च लिखा है जबकि क्या होगा जबकि बारह मार्च होगा ठीक जबकि क्या होगा जबकि बारह मार्च होगा अब इसी परिपेक्ष में आप लोगों को एक अग्रिम सूचना दे दूं कि अभी नौ बजे से फिर आप लोगों के बीच में एक क्लास प्रारंभ होगी नौ बजे से इसी चैनल पे प्रारंभ होगी उसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे ठीक और प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका अध्ययन एमसीक्यू के रूप में करेंगे बहुत ही उपयोगी होगा आप लोग आमंत्रित हैं उस क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए 9 बजे से यानी 9 पीएम से जस्ट अभी क्लास आ, करीब करीब सात बजने वाले हैं दो घंटे ढाई घंटे बाद करीब करीब वो क्लास शुरू होगी आप लोग उसे अटेंड कीजिए तो आज की क्लास के लिए इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा इसके सभी पक्षों को पढ़ा इसी तरीके से हमें अध्ययन करना है तब आपका जो अध्ययन होगा एक सारगर्भित अध्ययन होगा ठीक तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया नौ बजे आप लोग हमसे जुड़िए ठीक है धन्यवाद